So in this lecture we'll be delving into the various perspectives relating to democracy, right? Various dimensions of democracy, the functions of democracy, what constitutes an ideal democracy, what are the various critiques or challenges to democracy, the negative aspects of democracy. So we'll be looking into or approaching this the very important concept of democracy in a very multi-dimensional sort of way, right? So firstly, I'll be starting with this lecture with the definition and types of democracy. वहाँ पे मैं बोलूँगा there are two broad types of democracy. Democracy के multiple types हो सकते हैं depending कि आप उसको कैसे classification कर रहे हो, right? But basically there are two types of democracy. One is direct democracy, right? उसमें which is basically advocated by Rousseau, right? In his famous book The Social Contract. फिर I'll talking about indirect form of democracy. वहाँ पे आई विल इंट्रोड्यूसिंग यू टू जे एस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, हिज कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप. फिर इसमें हम इसको इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को लिंक करेंगे टेलकट पार्सन्स और हिज कंसेप्ट ऑफ पावर बैंक्स, राइट? और हम एक अब्राहम लिंकन का एक बहुत पॉपुलर कोट है रिलेटिंग टू डेमोक्रेसी, वो भी देखेंगे. इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शनल एस्पेक्ट्स और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, या फिर एक आइडियल डेमोक्रेसी की क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए, राइट? ये दीज आर ऑल्सो फीचर्स. तो इसमें आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम 15 डिफरेंट डायमेंशंस, राइट? तो यहाँ पे अगेन आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग यू टू रूसो, द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी एंड जनरल विल, राइट? एक्टिव सिटीजनशिप विच इज एन इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी, राइट? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, डायवर्सिटी, टॉलरेंस एंड सेकुलरिज्म. देन आई ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. यहाँ पे आई बी टॉकिंग अबाउट रॉबर्ट डाल एज वेल एज आई ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट गांधीज कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड ही हाउ ही प्रपाउंडेड द सेवाग्राम मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी. और इसमें हम एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर को देखेंगे, राइट? अगर आपको डेमोक्रेसी रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली यू शुड बी इंक्लूडिंग अमर्त्य सेन, राइट? ही टॉक्स अबाउट डेमोक्रेसी एंड ही लिंक्स इट विद फ्रीडम. वो कैपेबिलिटी अप्रोच है उनकी, उसमें ही लिंक्स डेमोक्रेसी विद फ्रीडम, चॉइस एंड कैपेबिलिटीज, राइट? एंड डेवलपमेंट. तो वही बोलते हैं दिस विल लीड टू अ रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसके बाद हम देखेंगे वेरियस पिटफॉल्स क्या हैं, क्रिटिक क्या है, या फिर चैलेंजेस क्या हैं डेमोक्रेसी की. तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिकल व्यू, राइट? क्लासिकल स्कॉलर्स जैसे प्लेटो, सोक्रेटस और एरिस्टोटल क्रिटिसाइज करते हैं डेमोक्रेसी को, राइट? दे विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ डेमोक्रेसी कैन ईजिली ट्रांसफॉर्म इन टू अ डेमोगोगरी, द राइज ऑफ डेमोगोग. अभी आपने वेरियस आर्टिकल्स पढ़े होंगे, स्पेशली ट्रंप वॉज क्रिटिसाइज फॉर दैट, ही वॉज लेबल्ड एज अ डेमोगोग. वो क्या होता है हम वो देखेंगे. फिर हम देखेंगे टोक्योविली, राइट? ही टॉक्स अबाउट टिरेनी ऑफ द मेजोरिटी. वो बोलते हैं देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इन अ डेमोक्रेसी देर माइट बी इट माइट ट्रांसफॉर्म इन टू अ टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, बट इट इज नॉट ऑलवेज द केस, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी एंड नो वन कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम डूइंग फ्रॉम दिस फेनोमेना फ्रॉम हैपनिंग, राइट? तो ये देखेंगे टायरनी ऑफ द मेजोरिटी. फिर हम देखेंगे इंडियन डेमोक्रेसी में विच इज बेस्ड ऑन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, उसके पिटफॉल्स क्या हैं, राइट? फिर वील ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट इलीट थियरिस्ट मॉस्का, सीराइट मिल्स एंड मिचल्स. मिचल्स विल बी गिविंग द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, राइट? ऐसी मॉस्का और सीराइट मिल्स भी क्रिटिसाइज करेंगे डेमोक्रेसी को, ठीक है? एंड दे से ट्रू पावर लाइज विद द इलीट्स, इट इज नॉट पॉपुलर रूल, इट इज नॉट पीपल्स रूल, रादर इट इज द रूल ऑफ द इलीट्स, एंड इलीट रूल इज इनएविटेबल, राइट? फिर हम बात करेंगे कि वन ऑफ द क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी इट माइट ब्रीड पॉपुलिज्म इन सोसाइटी, और इसको हम लिंक करेंगे गुनर मिडल, ही रोट अ बुक एशियन ड्रामा, वहां पे ही टर्म्स इंडिया एज अ सॉफ्ट स्टेट और अ सॉफ्ट डेमोक्रेसी. लास्टली आई विल बी कंक्लूडिंग दिस लेक्चर बाय इंट्रोड्यूसिंग यू टू द वर्क ऑफ फ्रांसिस फुकुयामा, राइट? हु रोट अ बुक द एंड ऑफ हिस्ट्री, एंड वो बोलते हैं कैपिटलिज्म हैज वॉन अगेंस्ट कम्युनिज्म, राइट? डेमोक्रेसी हैज वॉन अगेंस्ट ऑल द अथॉरिटेरियन सिस्टम्स, एंड डेमोक्रेसी इज गोइंग टू प्रिवेल एंड इट इज गोइंग टू स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स, राइट? बिकॉज अकॉर्डिंग टू मीट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट? सी अगर आप इसको कंक्लूड करोगे देर यू विल बी कंक्लूडिंग नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? आई एक्सेप्ट यू टू राइट दिस डाउन, एक्सपेक्ट यू टू राइट दिस डाउन, राइट? बिकॉज आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट इन द रेस्ट ऑफ द लेक्चर. डेमोक्रेसी को आप कंक्लूजन यही होना चाहिए, डेमोक्रेसी माइट नॉट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट डेमोक्रेसी इज द लीस्ट वर्स्ट अमंग अदर वर्स्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. इट इज द लीस्ट वर्स्ट, राइट? एंड इट कुड वी कुड स्ट्राइव टुवर्ड्स एन आइडियल डेमोक्रेसी
through an active citizenship who is aware, enlightened and reflexive and critical, who is participative in politics, right? Through a vibrant civil society, we can ensure a successful and vibrant democracy, right? Now, let us first understand the concept of democracy. What is democracy? How do we define democracy? Democracy. See, ये जो वर्ड है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी राइट, ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, राइट। इसका जो रूट है, एटिमोलॉजी इस वर्ड की, टू ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, राइट। वन इज डेमोस एंड सेकेंड इज क्रेटोस, so demos means people, and kratos means rule. Therefore democracy means rule of people, rule of people. So it is the people who rule themselves, right? So यहां से हम क्या imply कर सकते हैं, that is power, power lies with the people, right? And this power, right, this power and authority, right, is used, right, or is exercised to fulfill public interest or societal interest, right? So this is democracy, जहां पे जो power है it is lies with the people, right? People are going to rule themselves, right? So this power and authority is used to fulfill the public interest, societal interest, or as Parsons would say, in the collective interest of the society, right? Further we can say there are broadly there could be two ways in which people are going to rule themselves, right? There could be two ways in which people will be exercising this power and authority, right? There are broadly, on the broad lines, there are two ways of organizing a democracy, right? So yahan pe hum basically do broad types mein democracy ko categorize ya classify kar sakte hain, राइट, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रॉड टाइप में, राइट। दिस ब्रॉड टाइप्स आर, वन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, राइट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इसका मतलब क्या है? For example, let us consider that this is a political community and there are multiple people here, right? So democracy means it is the power which lies with the people. Now how is this power and authority is going to be exercised, right? So it could be exercised in two ways, right? There are two ways of organizing a democracy. One is direct democracy, right? Direct democracy means that people, right, it involves direct participation of people, direct participation of people, right,
इन देयर पॉलिटिकल अफेयर्स, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन देयर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। राइट, इट मीन्स पीपल विल बी डायरेक्टली इन्वॉल्व, राइट, पीपल विल बी इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज, पॉलिसीज एंड डिसीजंस। राइट, ठीक है। नाउ सी, ये बेसिकली डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब हर एक आदमी का ओपिनियन, हर एक आदमी का वोट काउंट करता है, और लॉ बनेगा तो हर एक आदमी उसमें वोट करेगा। राइट, अनलाइक द पार्लियामेंट विच इज प्रेजेंट टूडे, जहां पे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है वो वोट करते हैं पार्लियामेंट में फॉर एंड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर लॉ। राइट, फॉर और अगेंस्ट इन द फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। राइट, यहां पे every single member of this community is going to participate in all the formulation of laws, policies and decisions of the government. Right, aur see ye basically kahan pe examples kya kya hai, one is Athens mein, right, ancient Greece mein ye city thi Athens, right, yahan pe jo log the wo directly participate karte the politics or administration mein, right, everyone used to participate, ठीक है, दे वर इंगेज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज, पॉलिसीज एंड डिसीजंस। राइट, दीज पीपल वर पार्टिसिपेटिंग इन पब्लिक स्फेयर। राइट, दे वर डिस्कसिंग वेरियस सॉर्ट्स ऑफ पॉलिसीज। राइट, देयर कंटिन्यूअस डेलिब्रेशन व्हिच वाज गोइंग ऑन, एंड देयर आफ्टर फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज, पॉलिसी एंड डिसीजंस वाज इंश्योर्ड। राइट, सो एवरीवन वाज पार्टिसिपेटिंग। तो ग्रीस में राइट, एंशिएंट ग्रीस में क्या है, ये जो सिटी स्टेट थी एथेंस की, यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करते थे गवर्नेंस में। राइट, एवरीवन यूज्ड टू पार्टिसिपेट, ठीक है। इसका ड्रॉबैक क्या था, यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन था, दिस पार्टिसिपेशन वाज गाइडेड बाय इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, बिकॉज ओनली फ्री मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट, ओनली फ्री मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट। राइट, तो इसमें क्या है, वुमेन, इट एक्सक्लूडेड वुमेन एंड स्लेव्स फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ द कम्युनिटी। वुमेन और स्लेव्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट। सो दिस डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन केस ऑफ एंशिएंट ग्रीस, राइट, ठीक है। तो यहां पे क्या है, कॉमन पीपल, आम आदमी, राइट, बट ओनली मैन, फ्री मैन, नॉट द वुमेन एंड स्लेव्स, they are not limited to private sphere of family, right, private sphere of family में ही सिमट के नहीं रह गए थे, rather they were actively engaged engaged in public sphere of politics. Right, और कौन कौन से example है direct democracy के? See, अभी क्या है, Switzerland में भी, right, there is a modified form of direct democracy. Right, लोकल पीपल पार्टिसिपेट करते हैं अपनी कम्युनिटी के पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में, और पीपल कैन एक्चुअली, इफ दे वांट टू, दे कैन वीटो
the laws and policies of their parliament or of their representatives. So it is a modified form of direct democracy, right? तो अगर मान लो कि जैसे इंडिया में पास किया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, राइट, इफ सिमिलर एक्ट वुड हैव बीन पास्ड इन स्विट्जरलैंड, तो पीपल उसके बाद क्या है, दे कुड हैव वोटेड एंड दे कुड हैव रिजेक्टेड दिस लॉ और पॉलिसी ऑफ द पार्लियामेंट, राइट. सो इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. थर्ड आपको देखने को मिलता है कि सी दिस इज वॉज बेसिकली द फीचर ऑफ एंशियंट सोसाइटीज, राइट. लेकिन मॉडर्न सोसाइटीज में भी राइट, यू कैन सी ओकेजनल एक्सरसाइज ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइट. राइट, इन द फॉर्म ऑफ रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइट, तो जिसमें हर एक लोग पार्टिसिपेट करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल ब्रेक्जिट, जब ये डिसीजन लेना था, राइट, सो दिस इज एन ओनली ऑन ओकेजनल एक्सरसाइज ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइट, राइट, वेन यू नीड टू टेक क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट डिसीजंस. तो वहां पे क्या है, लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल ब्रेक्सिट, वेदर ब्रिटेन वॉन्ट टू एग्जिट फ्रॉम द ईयू, राइट, सो पीपल वोटेड ऑन दैट. सिमिलरली रेफरेंडम, अगर आपको याद हो कि प्रशांत भूषण ने बोला था कि कश्मीर में प्लेबिसाइट करवाना चाहिए, लोगों का मत लेना चाहिए कि वेदर दे वॉन्ट टू रिमेन विद इन द इंडियन यूनियन और दे वॉन्ट टू सीसीड फ्रॉम इट, राइट. ऐसे ही स्कॉटलैंड में भी हुआ था, राइट, रेफरेंडम वेदर दे वॉन्ट टू, राइट, और अभी वो चल ही रहा है प्रोसेस, वेदर दे वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ ब्रिटेन, राइट, और दे वॉन्ट टू सेट अप अ सेपरेट शॉप, राइट. फिर इसके बाद क्रीमिया में भी हुआ था, राइट, 2014 में जो वॉर चली थी, रशियन वॉर, राइट, वहां पे क्या था, वो इन्फ्लुएंस था. अब ये भी बोलते हैं लोग कि क्रिटिसाइज करते हैं कि इट वाज दिस रेफरेंडम वाज हेल्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ द रशियन रिपब्लिक एंड देयर बाय दिस रेफरेंडम इज नॉट ट्रांसपेरेंट, इट इज नॉट रिप्रेजेंट पीपल्स ट्रू ओपिनियंस, एनी वेज पीपल पार्टिसिपेटेड इन एंड दे वॉन्टेड दे डिसाइडेड टू सीसीड फ्रॉम यूक्रेन एंड टू बी पार्ट ऑफ रशिया, राइट. सो दिस इज एक्सरसाइज इन मॉडर्न सोसाइटीज एवल. और कुछ स्कॉलर्स ये भी बोलते हैं कि एंशंट इंडिया में भी, राइट, देयर वर लोकल गवर्नमेंट्स, राइट, इन विच देयर वॉज डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल अपार्ट फ्रॉम दैम. आप ये देखोगे, राइट, ये पंचायती राज टाइप का सिस्टम है. अपार्ट फ्रॉम दैम आप देखोगे ऋग्वेदिक पीरियड में भी, इट इज नॉट कि सी बुक्स में लिखा जाता है एंशियंट एथेंस वगैरह, ऐसा नहीं है. इंडियन सिविलाइजेशन भी क्या है, डेमोक्रेटिक रहा है स्टार्टिंग से ही. ऋग्वेदिक पीरियड में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ट्राइब्स थे वहाँ पे सभाज और समितिज, आप पढ़ोगे सभाज और समितिज थी, राइट, इन विच जना, राइट, जना पार्टिसिपेटेड, दैट इज द पीपल ऑफ द ट्राइब, राइट, पीपल आम आदमी, उसमें औरतें भी होती थी, राइट, विधाता सभा समिति एंड विधाता, दीज वर द ट्राइबल असेंबलीज विच गाइडेड द इंपॉर्टेंट अफेयर्स ऑफ द ट्राइब. और इसके अलावा आप देखोगे रिपब्लिकन ट्रेडिशन रहा है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का इंडिया में भी, बट दैट वॉज नॉट प्योरली डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, राइट, रिपब्लिकन स्टेट्स थी, राइट, लाइक शाकाज ऑफ कपिलवस्तु, राइट, लिच छवीज ऑफ वैशाली इन द विदेहा रीजन, राइट, इन द नॉर्थन बिहार, नॉर्थ ऑफ गंगा,
I talked about it in ancient history. So this is direct democracy. Now there is another form of the second broad type is indirect democracy. Right, the second form is indirect democracy. Right. Now, indirect democracy, it is a feature of modern societies. Right. In this, people elect their representatives, elect their leaders and representatives, right? जैसे इंडिया में है, आप अपने लीडर्स को इलेक्शंस में इलेक्ट करते हो, उनको पॉपुलर मैंडेट देते हो और उस पॉपुलर मैंडेट के बेसिस पे वो आपको गवर्न करते हैं, राइट? ठीक है, पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट? सो देयर इज अ डेलीगेशन ऑफ पावर, देयर इज अ डेलीगेशन ऑफ पावर फ्रॉम पब्लिक और मासेस टू पॉलिटिकल लीडर्स, टू पॉलिटिकल लीडर्स पीरियोडिकली, राइट, पीरियोडिकली थ्रू इलेक्शंस. ठीक है, नाउ सी, नाउ दीज लीडर्स यहां पे बोलते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, राइट, जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल. नाउ यू हैव डेलीगेटेड द पावर एंड यू गेव द पावर टू दीज लीडर्स, राइट, एंड जॉन स्टुअर्ट मिल बोलते हैं कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, राइट, विच इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, दैट इज योर रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट, या फिर इनको आप डेलीगेट्स भी बोल सकते हो, राइट, दीज आर ऑल्सो डेलीगेट्स इन विच पीपल यू हैव डेलीगेटेड योर पावर टू, राइट. पर इसको थोड़ा, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डेलीगेट एंड अ ट्रस्टी, राइट, वहां पे जाने की जरूरत नहीं है. लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं कि पीपल रिपोज और गिव पावर इन इन द पॉलिटिकल लीडर्स, राइट. सो दिस, दे हैव गिवन दिस मैंडेट टू द पॉलिटिकल लीडर्स, राइट, एंड दीज लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट, जीएस मिल बोलते हैं इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर नोन एज ट्रस्टीज, ट्रस्टीज, राइट. ठीक है, सो दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर ड्रिवन बाय द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक, दैट यू विल बी, दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट, विल, दे आर द ट्रस्टीज ऑफ पावर, राइट, रिप्रेजेंटेटिव्स आर द ट्रस्टीज ऑफ पावर, right, and they will be exercising this power, they will be exercising this power to fulfill public interest, societal interest or collective interest, right, but here, or to fulfill the wishes, demands, right, and aspirations, aspirations of the people, theek hai, but since people have reposed their power or faith in these leaders, right, they are the trustees of power, they will be, these leaders, they will be using
their own discretion using their own discretion and will. ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ? See, there are two ways in which you can exercise power. ठीक है, एक तो लोग सेलेक्ट करें, इलेक्ट करें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, राइट? और हर एक डिसीजन लेता है वो रिप्रेजेंटेटिव, तो उससे पहले क्या है, ही हैज टू कंसल्ट विद द पीपल. हर एक डिसीजन से पहले, हर एक वोट से पहले, अगर वो पार्लियामेंट में कोई भी लॉ पास होता है या किसी भी पॉलिसीज पे वो बोलता है, ही हैज टू कंसल्ट विद द पीपल. और जो लोग बोलेंगे उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, राइट, उसी के बेसिस पे उसको वोट करना पड़ेगा. ठीक है, इसको बोलते हैं एजेंट. यू आर द एजेंट ऑफ द पीपल, राइट? यू आर नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, यू आर एन एजेंट ऑफ द पीपल. लोग बोलेंगे ये करना है, वो करना पड़ेगा. नाउ हर एक बार क्या है, लोग गाइड करेंगे उसको. नाउ दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, राइट? एक होता है ट्रस्टी. लोग ट्रस्ट करके, राइट, फेथ करके, उसमें अपना फेथ रिपोज करके उसको इलेक्ट करते हैं, उसको पावर देते हैं. सो इज द ट्रस्टी ऑफ पावर. नाउ ही विल बी यूजिंग दिस पावर इन सोसाइटल और पब्लिक और कलेक्टिव इंटरेस्ट, राइट, इन फेवर ऑफ ऑल, राइट, इन ऑर्डर टू प्रोपगेट कॉमन गुड. ठीक है, सो ही हैज टू यूज दैट पावर इन सच अ वे, एंड ही हैज टू यूज हिज ओन विल एंड डिस्क्रिशन. उसको अपना संयम, राइट, अपने सोच के हिसाब से, है ना, वो आप उसको 5 साल के लिए इलेक्ट कर दो, उसके बाद ही नोज व्हाट पीपल वांट फ्रॉम मी, एंड थ्रू हिज ओन विल एंड डिस्क्रिशन विच इज ऑब्वियसली गाइडेड बाय द ओवरऑल पीपल्स एस्पिरेशंस एंड डिमांड्स विच इज गाइडेड बाय पब्लिक इंटरेस्ट, बट ही इज मोर ऑटोनमस हेयर, राइट? सो दिस इज अ ट्रस्टी, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ट्रस्टी एंड एन एजेंट ऑफ पावर, राइट? ठीक है, तो इसी को सपोर्ट किया आपका पार्सन्स ने. दिस इज ऑल्सो फंक्शनलिस्ट व्यू ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? पार्सन्स क्या बोलते हैं, दीज लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी यूजिंग दिस पावर इन ऑर्डर टू फर्दर कलेक्टिव इंटरेस्ट, राइट, और इन ऑर्डर टू अचीव कलेक्टिव गोल्स एज इज शेप्ड बाय वैल्यू कंसेंसस, राइट? इसको बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या मतलब इसका. सो दीज पीपल आर लाइक पावर बैंक्स, दे आर वर्किंग इन ऑर्डर टू फुलफिल कलेक्टिव गोल्स शेप्ड वैल्यू कंसेंसस. सो दे आर वर्किंग इन कलेक्टिव और पब्लिक इंटरेस्ट, राइट? ठीक है, प्लस अगर इफ दे आर नॉट फुलफिलिंग द मैंडेट, इफ दे आर नॉट एक्सरसाइजिंग दिस पावर एंड अथॉरिटी इन पब्लिक इंटरेस्ट, राइट, देन दीज आर पावर बैंक्स जिन्होंने पावर रिपोज की है, देन पीपल कैन विड्रॉ द पॉपुलर मैंडेट इन नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस. So there is a sort of accountability that is working here. Right? So this is a feature of modern democracy. Right? Indirect democracy. Now this is important. Indirect democracy is a feature of modern societies. Right? Characterized by large populations, ठीक है, विच आर, जिसमें क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी, दे आर करेक्टराइज बाय कॉम्प्लेक्सिटी, हेट्रोजीनिटीज, दीज आर कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, हेट्रोजीनियस सोसाइटीज, राइट? सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सरसाइज डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन these modern societies, right, which are large, which are complex, right, which are humongous, which are diverse, which are heterogeneous, you cannot involve the direct participation of all the people, right, that is not feasible, right? So it is direct democracies in these societies is impractical and inefficient,
right? You cannot involve people in formulation of all the laws, formulation of all the policies, making crucial decisions. You cannot involve them at each step, right? So that is why this is impractical and insufficient in the modern times, right? Because it requires a lot, it will lead to wastage. It requires a lot of resources, right? Personal, right? As well as money. Plus it is time consuming, plus it is cumbersome to seek the decisions of all the people for all important laws, for all laws and policies, right? See, जब नेशनल इलेक्शंस होते हैं, जहां पे पूरा इंडिया पार्टिसिपेट करता है, जहां पे पूरा इंडिया वोट करता है, इट इज एन ह्यूमंगस एक्सरसाइज, राइट, विच इज टेकन वंस इन एवरी 5 years. इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, लॉट ऑफ मैन पावर, राइट. हर एक डिपार्टमेंट के लोग इलेक्शन कमीशन के साथ जुड़ जाते हैं, डेप्यूट कर दिए जाते हैं, फ्रॉम टीचर्स टू एडमिनिस्ट्रेटर्स टू क्लर्क्स, राइट. प्लस सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है, सीआरपीएफ वगैरह, राइट. So it requires a lot of manpower. It requires a lot of resources, money and material resources, in order to conduct this mammoth exercise of elections. Now this is possible once in every 5 years, but this is not possible to conduct this election for every single law, for every single policy, for every single decision. This is not feasible in these large societies, modern societies, complex societies with large populations, and even these large populations, these are complex and heterogeneous, right? Whereas these, it was practical or good for small societies only, small societies, and we can say small communities, jahan pe small populations hongi, or these are homogeneous in nature. Now, kuch time pehle debate thi, right? BJP and in fact PM Modi proposed that national elections should be conducted along with the state elections, right? This was opposed by the political parties for various reasons, right? We'll not be going into those reasons. Now see, now this is not practical. Aap national elections ko hi fight jab conduct karte ho, that requires a lot of resources. Uske saath aap state elections bhi conduct karwana har ek state, that is not just feasible. राइट, इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, और इतनी हमारे पास मैन पावर भी नहीं है कि सारी इलेक्शंस एक साथ कंडक्ट कराए जा सकते हो, राइट. सो दिस वाज वन ऑफ द लिमिटेशन और क्रिटिक विच वाज गिवन बाय ऑपोजिशन. प्लस अनदर क्रिटिक वाज कि स्टेट, नो दिस इज नॉट रिलेटेड टू सोशियोलॉजी, आई एम जस्ट गिविंग इट यू फॉर द नॉलेज सेक. अनदर क्रिटिसिज्म वाज स्टेट गवर्नमेंट, इन केस ऑफ स्टेट इलेक्शंस पीपल मेक देयर इलेक्टोरल डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट इश्यूज, local issues, and that is why you will see in some of the states BJP is not in power, whereas Congress is in power, right? But agar state ki election national election ke sath conduct honge, to log state aur local issues pe vote nahi karenge, national issues pe bhi vote karenge, aur usme advantage aur benefit kiska? BJP ka, right? So that is why opposition did not wanted this concurrent elections, right? So this is two forms of democracy. Ab hum start karte hain. Now before proceeding ahead with, I have introduced you to Parsons View of Democracy, J.S. Mill, John Stuart Mill, Views of Democracy. Let me introduce a famous quote which you can use. I have already mentioned it before also. Abraham Lincoln, quote of democracy, right? Democracy is the government of the people, comma, for the people, comma, by the people, right? I hope this is understandable, right? Now let us try to jump into the what are the positive consequences, functions, achievements of democracy, or it will also be what will be the requirements of a true democracy and ideal democracy, right? Wo padhne ki koshish karte hain. Now how does democracy contribute to citizens?
कुछ लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इज एन आइडियल, राइट, और एक आइडियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है और एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करती है, डेविएट करती है, राइट. तो अगर वेबर को बोला जाए कि मेक एन आइडियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, तो अभी जो मैं भी बोलने वाला हूं, राइट, दिस फंक्शंस पॉजिटिव, दिस इज लाइक एन आइडियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी. इन रियलिटी सिचुएशन माइट डेविएट फ्रॉम दिस, बट द स्कॉलर से कि पीपल हैव टू कंटिन्यूअसली स्ट्राइव, कंटिन्यूअसली इंगेज इन द पॉलिटिकल सिस्टम सो एज टू कंटिन्यूअसली मूव टूवर्ड्स दैट आइडियल, राइट, टू कंटिन्यूअसली मूव इन दिस डायरेक्शन ऑफ दैट, टू अचीव दैट आइडियल डेमोक्रेसी विच इज नेवर अचीवेबल, बट वी शुड कंटिन्यूअसली बी मूविंग इन टू दैट डायरेक्शन, राइट, विच इज अ यूटोपिया, राइट, बट इट इज अ पॉजिटिव फॉर्म ऑफ यूटोपिया, वी शुड बी मूविंग टूवर्ड्स इट, राइट. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फंक्शंस और फीचर्स, राइट, दिस कुड बी फीचर्स, यू कैन इंक्लूड फीचर्स एज वेल एज फंक्शंस, राइट, और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, राइट, और what do you need, what do you require in order to forge an ideal type of democracy, right. तो उसके साथ हम study करते हैं, that is हम functions के बारे में बात करेंगे, right, या positive aspects के बारे में बात करेंगे democratic political system का, या फिर हम बोल सकते हैं prerequisites और requirement क्या होती है in order to constitute an ideal democracy, या फिर हम बोल सकते हैं लेट अस टॉक अबाउट दिस आइडियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है. नाउ सी, डेमोक्रेसी एक्सटेंड्स पॉलिटिकल राइट्स and civil liberties to its citizens. ठीक है. Now see, freedom और autonomy extend करता है टू द सिटीजन्स, एंड दिस इज असेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी. फ्रीडम इज इंटीग्रल टू डेमोक्रेसी, राइट. तो ये क्या प्री रिक्विजिट या रिक्वायरमेंट है इन ऑर्डर टू फोर्स दैट आइडियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, या हम इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक्सटेंड्स दिस पॉलिटिकल राइट्स, राइट, बट देर इज अ लिमिट टू दिस, राइट, बट वी हैव टू कंटिन्यूअसली क्रॉस और ट्रांसेंड दोज लिमिट्स एंड बैरियर्स, वी हैव टू कंटिन्यूअसली मूव टुवर्ड्स दैट आइडियल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, राइट. फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी देता है लोगों को. नाउ दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, राइट. सी, अगर मैं आपको बोलूं कि दिस इज द पॉलिटिकल कम्युनिटी जिसमें वेरियस इंडिविजुअल्स हैं, नाउ वन वॉज डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जिसमें हर कोई वोट कर पा रहा था, राइट, लेकिन दिस इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर मॉडर्न सोसाइटीज, सो वी नीड टू कंपल्सरली ऑर्गेनाइज दिस पॉलिटिकल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. जब व्हेन दिस पीपल गिव दिस पावर टू द लीडर्स, राइट, नाउ दिस पीपल हैव टू इंश्योर दैट दिस लीडर्स आर एक्सरसाइजिंग दिस पावर, राइट, दिस लीडर्स दैट दे इलेक्टेड दे आर एक्सरसाइजिंग दिस पावर, राइट, दिस लीडर्स in public interest, in their interest, and that is why only we can say this is rule of the people, right, when actually this power will translate into public interest. It is as if the people are ruling themselves via their leaders. So people, these have to be the true representatives which will only be thinking about collective interest, collective goals and public interest. So people have to ensure that these people are working, right, in a fair manner, right. So these people should also be able to express their thoughts and opinions in order to tell these people where they are going wrong. So freedom and autonomy, these civil liberties are, that is why very essential for democracy in order to move towards that ideal state of democracy, right. So freedom and autonomy bahut zaruri hai, right, and that is why, because with freedom of speech and expression, with freedom of thought, with freedom of
choosing their own belief, with freedom of choosing their own ideology, right? Where people are free and autonomous, they can freely express themselves, only then they can give, they can criticize, freely criticize the policies and the law of the government. This is very essential for a very functional democracy, right? You have to give them a proper feedback. This is where you are going wrong. So they should not be fearful of expressing themselves, right? अगर पावर सारी इनके पास है तो यहां पे लोगों को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो अपनी ये जो पावर थोड़ा अपनी तरफ भी खींचे. सेंट्रलाइजेशन ना होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए. सो देर इज अ काइंड ऑफ अ ट्रेड ऑफ. यू हैव टू गिव पावर टू दिस पीपल, बट यू हैव टू मेक दम अकाउंटेबल एंड यू हैव टू इंश्योर अ काइंड ऑफ अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑल्सो. सो हेयर यू नीड दैट काइंड ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऑटोनॉमी, वेयर पीपल विल बी विदाउट एनी फियर और फेवर, दे विल बी फ्रीली एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, दे विल बी एबल टू गिव क्रिटिसाइज द पॉलिसीज और लॉस ऑफ द गवर्नमेंट, वेयर देयर इज अ राइट टू डिसेंट अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. दिस इज वेरी एसेंशियल. और इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि जो सेडिशन का था, सेडिशन लॉ इन इंडिया, राइट, इट इज एन आउटडेटेड लॉ, कॉलोनियल रूल, इट इज अ कॉलोनियल लॉ, जहां पे लोगों की फ्रीडम को सप्रेस करने के लिए आया गया था. सो दिस शुड बी, एंड सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो गिवन दिस गवर्नमेंट दिस डायरेक्शन दैट दिस लॉ शुड बी डन अवे विथ, राइट? ठीक है. नाउ सी, फ्रीडम और ऑटोनॉमी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन होगा तो सी, ये ऑल्सो लिंक्ड है, ये फ्रीडम और ऑटोनॉमी और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज ऑल्सो लिंक्ड टू फ्री एंड इंडिपेंडेंट, टू फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया, राइट? क्योंकि यहां से क्या आती है आपको, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन भी आती है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, वेर इन मीडिया विल बी फ्रीली एबल टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्स, राइट? दे विल बी एबल टू डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन, राइट? और पीपल ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन विल बी एबल टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्स एज वेल, वेर इन दिस इंफॉर्मेशन इज शेपिंग द पॉपुलर बिलीफ एज वेल, राइट? सो दिस इज वेरी एसेंशियल. सो ऑल ऑफ दिस इज इंटरलिंक्ड. फ्रीडम of speech and expression also linked to free and independent media, which will lead to freedom of information, right? And on the basis of this information, right? Now this is the characteristics, Karl Popper kya bolenge, of open societies. This is the characteristics of, Karl Popper bolenge, of open societies, right? In which there is free flow of information, free flow of information. And this free flow of information is only possible through when there is open debates without any fear, open debates, discussions. And this open debate and discussions will be possible only when there is a freedom of speech and expression. And this constitutes a kind of a positive feedback, a virtuous cycle. More open debates and discussions, more free flow of information among the domain of the public. So more aware are the people will be, and more with this awareness and enlightenment they'll be able to express themselves, and through this will happen, right? So this was the first point. This was the second, freedom, independent media. Now this is linked to the third. They will be able to tell these leaders, this is where you are going wrong. So they will also be going to give feedback to the political system, right? So this feedback will constitute a policy input to the government, right? David Easton एक scholar थे, वो यही बोलते हैं कि ये political system है, यहां से उसको various input मिल रहे हैं, वो policies बनाते हैं output की form में, इसका continuous feedback आता है, फिर इनपुट मॉडिफाई होता है और फिर पॉलिसीज बनती हैं, राइट? दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन पीपल आर अवेयर एंड एक्टिव एंड दे कैन एक्चुअली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, राइट? और यही तो हुआ था, फीडबैक टू द पॉलिटिकल सिस्टम,
ये पॉलिसी इनपुट होता है गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट कैन मॉडिफाई इट्स लॉज एंड पॉलिसीज एज पर द विशेज एंड डिमांड्स और एस्पिरेशन ऑफ द पीपल. सो दिस फीडबैक रिप्रेजेंट्स पॉपुलर ओपिनियन. दिस विल ओनली बी पॉसिबल इफ देर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. वैन देर इज एन ओपन सोसाइटी, देर इज अ फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, देर इज फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया, राइट? एंड ड्यू टू दिस सिटीजन गेटिंग अवेयर एंड एनलाइटेंड, एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट्स पब्लिक ओपिनियन विच इज अगेन अगेन फीडबैक इन टू द पॉलिटिकल सिस्टम. एंड दिस पॉलिटिकल द गवर्नमेंट टेक्स दिस फीडबैक इन टू अकाउंट, एंड थ्रू दिस फीडबैक दे कैन मॉडिफाई और यू कैन से शेप देयर पॉलिसीज, राइट? शेप एंड मॉडिफाइज इट्स पॉलिसीज, राइट, एज पर द पॉपुलर ओपिनियन विच इज इन कॉन्ग्रेंस विद द पब्लिक इंटरेस्ट. दिस इज हाउ द डेमोक्रेसी इज वर्किंग, राइट? सो दीज आर द थ्री पॉइंट्स, राइट? वैसे फार्म लॉज में भी मैंने आपको यही बताया था कि फार्म लॉज जब हुए थे, गवर्नमेंट मेड सम लॉज एंड पॉलिसीज, देर आफ्टर पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट. गवर्नमेंट थॉट दैट दिस रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट? एंड दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज is engaged in this kind of protest with some ulterior motives, right, which is against national agenda, right? But subsequently, when you say more and more information, right, was filtered through various channels to the government, then government, after a period or so, through this continuous resistance, government came to know that actually this constitutes not just a smaller section of the society, but this is the opinion of a large section of the society, especially the critical sections, the farmers. Right. So through this public opinion, which was being brought to the government through various channels, right, they were able to re-modify its policies, right? So this is possible when these things are happening, right? So we were dealing with the functions, positive aspects, prerequisites, or an ideal type of democracy, right? Now see, democracy would be successful, or will be able to reach that ideal type of democracy, right? It would be successful if people constituting this political system, they are aware right they are an active or enlightened or reflexive or critical citizenry, right? People should at least be literate, right? If not properly educated, they should be aware. It requires people's participation, right? It requires a keen sense. Of interest in public sphere of politics, right? तभी तो वो लोग क्या हैं? Aware होंगे, active होंगे, enlightened होंगे, reflexive होंगे, critical होंगे, और जो कि active participants होंगे in this political system, तभी तो वो अपने leaders को check पे रख पाएंगे, right? ठीक है?
So it requires a keen sense of interest in political system, or it requires a spirit of civic engagement. Right, and these people could keep a close watch or eyes on the activities of the government. Right, thereby making the government or ensuring accountability. Right, these active people can seek accountability from the government for its policies, for its decisions. Right, they can seek answers from the government, and government has to respond to these queries of the students, to these concerns of the citizens, to these opinions of the citizens. Right, so it can extract accountability from the government, and it can ensure transparency in the government as well. And it will make the government more responsive to the needs, to the concerns of the people, and thereby it can ensure that the government functions in public interest and not just to fulfill their own narrow vested interest. राइट right. तो तीन चीजें हमने वहां पे देखी थी. यहां पे हम बोल सकते हैं एक्टिव इनलाइटेंड सिटीजनरी, राइट, एंड कीपिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट एंड रिस्पॉन्सिव, राइट. सी, और ये किस सेंस में हो सकता है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था. नाउ दिस एक्टिव सिटीजनरी थ्रू द प्रोसेस ऑफ पेडागोगी, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में. सिविल सोसाइटी मोबिलाइज द मासेस, पॉलिटिसाइज द मासेस, राइट, लीड्स टू बिल्डिंग ऑफ वेरियस सॉर्ट्स ऑफ ओपिनियन अमंग द मासेस, राइट. सो डेमोक्रेसी कैन लीड टू अ बेटर सिविल सोसाइटी, राइट, एंड सिविल सोसाइटी, राइट, विच इज एक्टिव, right, which is participative, can further ensure, right, better civil society, and a vibrant civil society can further ensure that we'll able to reach that ideal stage of democracy. It can make the democracy more democratic, right, can ensure democratization of polity. राइट, सो दिस इज सिक्स्थ. और अगर आप यहां से भी लिंक करो, सो इट विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ एन एक्टिव सिटीजनशिप. राइट, जो वेरी कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप है, मतलब पीपल हु आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, राइट, एंड नॉट ओनली देयर राइट्स, पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट्स, but not only their rights, but they are a responsible citizens, aware of their rights as well as duties or obligations, and this will constitute a responsible participative citizen. Right, the active citizenship, you can say this is point number 7. All these are interconnected. These are various features, functions, positive aspects, or an ideal type of democracy, or prerequisites or requirements in order to establish that ideal type of democracy. All this is interconnected. Right? ठीक है. इसके बाद हम ये देख सकते हैं, apart from this, you see, democracy, see, decision making in a democracy राइट, डिसीजन मेकिंग,
pertaining to any sort of policy or law, right, is based on consensus. It is based on agreement among the people, right? This consensus, which is forged on the basis of open debate, discussions, open debate, discussions and negotiations within the democracy. Right? Ultimately, right, you are forging a consensus among people, right? And this consensus is based on formulation of public opinion, which is an outcome of continuous debate, discussion, exchange, negotiation, compromise between these people, right? And this is ultimately going to reflect, as Rousseau said, the general will of the people, the general, reflecting the general will of the people right. और जनरल विल हमेशा कैसे अपीयर होता है, रूसो जब हम पढ़ रहे थे, राइट, रूसो जब हम पढ़ रहे थे, जनरल विल कैसे अपीयर होता है, राइट, वेर इन पीपल दिस जनरल विल इज पोस्ट व्हेन पीपल कैन राइज अबव देयर नैरो People can rise above their narrow, particularistic. Right? I have explained all this in Rousseau. And selfish interest. When people can actually rise up their narrow, right, particularistic and selfish interest. And they can align these interests. They can align these interests. Right, with align their own interest with broader, right, national interest, societal interest, public interest, right. So ये इस तरीके से will emerge होके आता है. So this will इसलिए will बोलते हैं Rousseau, it is based on real will of the people. It is based on real will and not actual will of the people. Right? Or see, यहां पर जब हम बात करते हैं general will, which is basically an accumulation, a collection or aggregation of real will of the people. And real will of the people is different from the actual in the sense that actual will is based on their narrow, selfish, particularistic interest. Whereas real will is based on the interest of the people, right? When people can rise above these narrow interests, their own selfish interest, and they can align these interests with the broader interest of the society. They can see, my interest lies in the interest of the community. They should be aligning their own interest with the interest of the community. So everyone, essentially, राइट तो रूसो तो बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में, राइट, वो हमेशा डायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही एम्फेसाइज करते हैं कि ऑल द पीपल विद इन द पॉलिटिकल कम्युनिटी, राइट, दे हैव अ से इन गवर्नमेंट, और हर एक आदमी, एवरी वन इज अ सॉवरीन, राइट, एवरी पर्सन इज सॉवरीन एंड ऑटोनोमस, बट दिस सॉवरीन एंड ऑटोनोमस पर्सन इज गाइडेड बाय रियल विल एंड नॉट एक्चुअल विल. सो ऑल द पीपल आर गाइडेड बाय रियल विल नॉट द एक्चुअल विल. एंड व्हेन यू sort of aggregate this real will of the people, you will arrive at the general will of the people, right, which will focus on common good. Right, तो हर एक sovereign है, तो इसी वजह से उन्होंने बोला था concept, he gave the concept of popular sovereignty. Right, that is, people are supreme,
in a democracy. And once you have arrived at this general will, this will be implemented, right, with utmost force, without no resistance whatsoever, right? ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं 6, 7, this is point number 8, consensus on agreement. This is point number 9, it is based on concept of popular sovereignty. These are various features. और जब हम बात करते हैं consensus और agreement का, तो ये जो agreement आ रहा है, right? ये जो agreement आ रहा है, जो active और enlightened citizenry, right? Which is based on a real will of the people, right? Broad concerns, common good. ये आ रहा है, it is forged on the basis of reason. It is forged on the basis of reason, right? And rationality, right? And not emotions. Right? और इसी वो बोलते हैं this implies this consensus over debate and discussion and agreement, it implies, or this real will, when people will be focused on common goods, it implies a culture of accommodation, right? It implies, right, consensus तभी आएगा जब आप opposite views को भी accommodate करोगे, right? A culture of accommodation and respect, right, for different views or opinion, right? हर एक का मत क्या है डेमोक्रेसी में मायने रखता है. तो यू शुड बी अकोमोडेटिव ऑफ द कंसर्न्स ऑफ अदर्स, right? It involves accommodation and respect for divergent and different views, right? So it promotes a kind of empathy for the views of others, right? Empathy for different people, empathy, care and compassion towards their fellow beings, तभी तो कंसेंसस आ पाएगा, राइट? जब आप खाली अपने विचार को नहीं, दूसरे विचारों को भी रिस्पेक्ट दें. सो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज गोइंग टू प्रमोट डाइवर्सिटी एंड सेक्युलरिज्म. This is going to promote diversity and secularism within the society, right? It celebrates diversity, right? It celebrates heterogeneity, right? And no matter how minority the opinion is, चाहे कम लोगों का भी opinion, वो भी आपको respect करना है. So यहां पे it is also linked to the respect for minority opinion and minority rights. This is an essential feature of democracy, right? So 8th, 9th, and this is 10th, this is 11th, right? Respect for minority opinion. See, this minority opinion is not on the basis of some primordial criteria of caste or religion, right? Opinion in the sense ki some people have a broader opinion, which is the majority. So this majority or minority is based on opinion. It is not based on your ascriptive criteria or primordial criteria of caste or religion, right? So minority opinions ko bhi, which is held by smaller sections of the society, right, you should be respecting this. So that is why even dissent is promoted. Even dissent, ye main already bata chuka hu, dissent, accommodation of dissent, right? Aur jab yahan pe aap Voltaire ke bare mein bhi bol sakte ho, opinion, counter opinion ke udaharan, aap Voltaire ka bhi example de sakte ho aur quote kar sakte ho Voltaire ko freedom of speech ke bare mein. I might not agree with what you say, but I will defend to my death your right to say it.
this means the respect of opinions, divergent opinions, conflicting, competing opinions, right? You should be accommodative towards it. There should be a tolerance towards this, a kind of a tolerance and compassion towards this diverging viewpoints, and that is how only you will be able to arrive at a consensus, right, which is forced through open debate, discussions and negotiations within this dynamic system, this dynamic political system, right? Or see, agar dynamic political system hoga, it means diversity or dissent hoga. So it means diversity of political views, diversity of political views and ideologies within the society, and ideologies within the society. And that is why the good democracies, right, good democracies are always multi-party democracies, जिसमें multi-party politics होता है, right? So these are more dynamic political systems, जिसमें divergent viewpoints होते हैं, multiple opinions होते हैं, multiple ideas होते हैं, कुछ fixed opinions नहीं होते. This only possible through flexibility, open debates and discussions, and respect for these opinions, and this constitute of multi-political politics or dynamic political system. इसी को व्यापर बोलते हैं ना, कि democracy is the best form of the government because it is the most dynamic political system. It has multiple viewpoints, multiple ideologies, and the respect for these ideologies as well, accommodation of these ideologies as well, right? This is a true democracy. Democracy fosters this, and ultimately you have to continuously be focusing on these features. You have to concretize or strengthen these features so as to move towards that ideal form of democracy. We should continuously be striving towards that, राइट? ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं अमर्त्या सेन क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, राइट? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट. वो बोलते हैं डेमोक्रेसी makes the government accountable and responsive towards, right, responsive towards the needs and concerns of the people. और वो बोलते हैं कि see, he says, now this is very important. ये तो आपको लिखना ही है, अगर अमर्त्य सेन का कोट आप लिख सकते हो डेमोक्रेसी में, this is going to fetch you half an extra mark, right? This is where the difference occurs, right? No famine, he says, no famine has ever taken place, right, in a democracy में कोई भी famine नहीं हुआ है, right? Because government is responsive towards the needs and concerns of the people, right? These active enlightened citizens can keep a close watch on the activities of the government. It can always pressurize the government. So here the government is not apathetic, right? Like other political systems, it is not apathetic. तो इसी वजह से कभी भी क्या है, फैमाइन नहीं आया है किसी भी डेमोक्रेसी में. और बोलते हैं फैमाइन बाकी डेमोक्रेसीज में आया, फॉर एग्जांपल यूएसएसआर में भी फैमाइन आ चुके हैं, राइट, स्टालिन के दौरान आए थे, लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स डाइड, राइट, और माओ के टाइम पे भी, राइट, चाइना में भी आए हैं, राइट, माओ के टाइम पे भी, राइट. क्योंकि ये क्या है, ऑथोरिटेरियन लीडर्स हैं, ये कभी भी डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को क्या है, पॉलिसी मेकिंग में नहीं अडॉप्ट करते हैं, राइट? नो दिस डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, राइट, जब ये कंसेंसस बनता है, इवन दो दिस प्रिवेंट्स हेस्टी डिसीजंस हु आर टेकन, दैट दोज डिसीजंस आर टेकन विदाउट एनी थॉट प्रोसेस और इन अ वेरी फास्ट पेस्ड मैनर, राइट? सो इट प्रिवेंट्स फास्टी डिसीजंस ऑन पार्ट ऑफ द हेस्टी डिसीजन ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट,
right? And government should continuously be keeping a close watch, right? Continuous attentive towards the needs of the citizens, their concerns, government should be accommodating these concerns within its policies. So government, there is a continuous involvement of government, and government is not apathetic, it is responsive towards the needs of the people, so it can modify its policies. So yahan pe policies ka bahut hi dangerous hona thoda sa mushkil ho jata hai, right? To kuch bhi abrupt policies nahi follow hoti, right? Theek hai, to continuously feedback milta hai, to government can continuously respond. To kabhi kabhi situations hi prevent ho jati hai. Maine ye bolte hain ki aisa nahi hai कि जैसे उन्होंने बाकी डेमोक्रेसीज का एग्जांपल लिया, उसमें उन्होंने बोला कि कंडीशंस वर फेवरेबल फॉर ऑकरेंस ऑफ फेमाइन, ड्रोट था वहां पे, सब कुछ था जैसा बाकी जगह हुआ है, राइट? और उन्होंने तो बंगाल फेमाइन पे भी बुक लिखी थी, राइट? अ फेमस वर्क ऑन बंगाल फेमाइन ऑफ 93. वो बोलते इट वॉज नॉट दैट देर वॉज नॉट इनफ फूड, राइट? देर वॉज नॉट इनफ फूड, ऐसा नहीं था, बट इट वॉज नॉट अ प्रॉपर डेमोक्रेसी, इस वजह से फेमाइन आए थे, राइट? जब वो शिप्स आ रही थी, चर्चिल रिडायरेक्टेड दो शिप्स अवे फ्रॉम इंडिया, सो दैट ही वॉज नॉट रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द पीपल, दे हैड नो स्टेक्स, राइट? देर वॉज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, दीज वर ओनली कंसर्न ओनली अबाउट देर पावर एंड नॉट टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द पीपल. तो दीज आर द सम ऑफ द कंसर्न्स ही सेड अबाउट व्हाई famine is never taken place in democracy, even though conditions are suitable for occurrence of famine, like drought conditions thi, right, dry conditions thi, famine ho sakta tha, lekin there is a dynamic political system which is accommodating diverse viewpoints, right, continuously adjusting its policies, right, continuously responding to the needs of the people, right, so thereby continuously accountable, and thereby फेमाइन नहीं हो पा रहा है. फेमाइन तभी हो पाता है जब आप कंप्लीटली एपेथेटिक हो जाते हो, अपने आप में ही सिमट के रह जाते हो, लोगों के बाद ज्यादा कंसर्न होती नहीं है, आपको लगता है कि यही पॉलिसी सही है, यही इंप्लीमेंट होनी चाहिए, और उसके रिपरकशंस होते हैं कि इट माइट लीड टू डेंजरस कंडीशंस ऑफ फेमाइन, राइट? और ये ही हुआ था यहां पर, ठीक है? नाउ सेकेंड ही सेज ही लिंक्स डेमोक्रेसी विद डेवलपमेंट. Development. In fact, there is a brilliant article of Amartya Sen. I think it is of 15 to 20 pages, right? Bahut hi concrete, rational arguments dete hain, right? Aur kafi log bolte hain ki democracy mein these are not fast-paced economies. Economic restrict or prohibit ho jati hai, right? Whereas authoritarian systems are more, you could say, they have fast-paced economies. बहुत ही रैशनल आर्ग्यूमेंट्स के साथ इसको वो काउंटर करते हैं, राइट? और दीज आर्ग्यूमेंट्स आर फाउंड टू बी वेरी लॉजिकल एंड रैशनल इन नेचर, राइट? तो इससे पता चलता है कि कितने वो इनलाइटेंड और एक्टिव थिंकर थे, राइट? अगर आपको टाइम मिला, आई विल एडवाइज यू टू रीड दैट हिज दिस आर्टिकल ऑन डेमोक्रेसी, राइट? वो बोलते हैं डेमोक्रेसी इंश्योर्स डेवलपमेंट, राइट? दिस डेवलपमेंट इज रिलेट टू एक्सपेंशन ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ द पीपल, एक्सपेंशन ऑफ capabilities of the people. और capability कैसे expand की जाएगी? It is based on extending freedom and choice to its citizens. Now ये बड़ा ही बिजार पॉइंट ऑफ व्यू लगता है कि हाउ इज डेमोक्रेसी लिंक्ड टू डेवलपमेंट विच इज बेस्ड ऑन एक्सपेंडिंग ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ द पीपल एंड दिस कैपेबिलिटीज आर इन टर्न बेस्ड ऑन एक्सपेंशन ऑफ फ्रीडम एंड चॉइस, राइट? इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? सी, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. अ सर्टेन पर्सन एक्स, राइट? ही वॉन्ट्स टू परसू एजुकेशन, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स टू लर्न अबाउट let's say first primary education, a good primary education, secondary education, thereby in tertiary education he wants to learn rocket science, he wants to be a scientist like Kalam, right? Lekin if that person is poor, right, I hope you understand, if that person is poor, you are restricting his choice to get a proper education, right? You are not providing a complete freedom to it, because freedom you are restricting his choice. He is not able to take that option, because that option is completely eliminated. He cannot get a proper education due to the constraints of poverty. So you need to expand the capabilities
That is possible if you expand freedom and choice to its citizens, and this choice needs to be extended. तो वो क्या है, he leads democracy with development, right? तो इसको आप कैसे कर सकते हो इस चॉइस को? It is through the provision of welfare state. Welfare state के बारे में बात करते हैं, welfare based democracy के बारे में बात करते हैं, और वो entitlements के बारे में बात करते हैं, entitlements of its citizens, fulfilling some basic needs of the citizens. जब welfare state आएगी वो बोलेगी I'll give you good education, right? I'll give you good education. So वो जो freedom उसकी restrict हो रही थी, वो choice restrict हो रही थी, पढ़ नहीं पा रहा था, उसको वो बनना था. Somehow that was a constraint on him, right? It was a shackle on him. It was a kind of barrier on him, which was limiting his choice. Now, जब ऐसी welfare state का rise होता है, वो basic minimum needs और entitlements fully करती है, वो बोलती है कि I'll give you a proper education, right? So thereby it is expanding the freedom and choice of the citizens, or it is making the citizens more capable, or which is in turn translating it into their development, right? So this is how this development, democracy, freedom and choice are interconnected with each other, right? मैं आपको एक example देता हूँ, right? You are poor, right? But you want to travel the whole world. Now, अगर आपके पास freedom होगी, right? Choice होगी, वो capability हो, right? अगर वो आपके पास choice ही नहीं है, option ही नहीं है कि आपके पास money है ना, you cannot travel the world. If you cannot travel the world, you will not be open up to new horizons. So you will be a limited or restricted individuals. So you have to unleash the optimum potential of these individuals by expanding their freedoms and choices. And this is only possible through democracy. Democracy, jisme welfare state will ensure development of all and inclusive development of all. And on the basis of that, you will be getting some money due to the expansion of capability, and due to which you will be free and you will be travel the whole world. You will be expanding your horizons. You will be gaining more knowledge about culture, viewpoints. You will be getting so many experience, and you will be ultimately a better citizen. So these are very beautiful viewpoints that Amartya Sen kind of advocated for, right? ठीक है, and see, right? This was 10th, 11th, 12th. This is 13th point, right? Then 14th point is democracy is related to individualism as well, right? Individualism, right? And equality, right? Considering all citizens equal, and the basic unit of democracy or political participation is an individual who is free and autonomous, right? जिस पे कोई shackles और barriers नहीं है, right? Who can expand his choice of particular opinion of a particular political leader and freely express his choice. This comes only with freedom and autonomy. So this individualism is promoted through that. So there is no constraints of any sort of a collective barrier on the basis of caste and religion and all that stuff, right? So democracy ka backdrop hi aap dekhoge, democracy ka backdrop kahan se aaya tha? Renaissance aur enlightenment aaya, right? People got rational, right? Plus people got individualism aaya iske sath. Individualism sath people started expanding their choice, right? और इसी एनलाइटनमेंट के फेस में एक आपको पॉलिटिकल मॉडर्निटी भी देखने को मिलेगा, जहां पे वेरियस पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने वेरियस आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी प्रमोट किए थे. सो दिस रेनेसां एनलाइटनमेंट इज अ बैकड्रॉप ऑफ दिस राइज ऑफ दिस डेमोक्रेसी, एंड दीज आर बेसिकली लिबरल और वेस्ट, दीज आर द कंसेप्ट्स ऑफ लिबरल और वेस्टर्न डेमोक्रेसीज. मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसीज उनको इस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं, राइट? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन भी तो ऐसे ही आया था, विच एडवोकेटेड फॉर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. इसी बैकड्रॉप में रेनेसांस और एनलाइटनमेंट, पॉलिटिकल मॉडर्निटी के बैकड्रॉप में, इन द फ्रेंच मासेस लेड बाय द बुर्जुआ, दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द मोनार्की, एंड यहीं से तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन आया था. डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो, राइट, न्यू एनसीईआरटी में लिखा हुआ ये सब, कौन कौन से राइट्स उनको मिले थे, राइट? इसके बाद अमेरिकन इंडिपेंडेंस, दिस इज एन बैकड्रॉप टू इट, राइट?
See, the last point that I want to talk about related to democracy. This is the 15th point, right? Democracy leads to decentralization of power. See, मैंने आपको बोला था एक ट्रेड ऑफ है. लोग लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, लोग पॉलिटिकल कम्युनिटी में लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, इनको पावर दे देते हैं, राइट. बट ये पावर वापिस क्या है, सिटीजन्स के पास भी आनी चाहिए, राइट. सो इट इज अ काइंड ऑफ इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि ये सिटीजन्स तभी क्या है, इन पे क्लोज वॉच रख पाएंगे. एंड ऑल्सो देर शुड नॉट बी नो कंसेंट्रेशन ऑफ पावर विद इन सम पर्टिकुलर लीडर्स, बिकॉज पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट, पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, राइट, लॉर्ड एक्टन. सो देर इज अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन डेमोक्रेसी, राइट, इन दैट आइडियल डेमोक्रेसी. और ठीक है, और इसका मतलब क्या है, इलीट प्लूरलिज्म, डाल से लिंक करो, इलीट प्लूरलिज्म, डाल, रॉबर्ट डाल, इन हिज बुक हु गवर्न्स, राइट, ही सेज पावर इज डिफ्यूज्ड एंड डिस्पर्स्ड, विद इन अ डेमोक्रेसी अमंग अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स, राइट, ईच एडवोकेटिंग फॉर द देयर इंटरेस्ट्स, एंड गवर्नमेंट बिकम्स द बिजनेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज, राइट. यहां से रेमंड आयरन क्या बोला था, रेमंड आयरन, गवर्नमेंट बिकम्स द बिजनेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज, a sort of negotiation or an act of balancing between these divergent, different and competing and conflicting interests, right. So there is power which is not concentrated in particular elite, rather there are multiple elite pluralism. This is power dispersed and diffused within the society among multiplicity of interest group, pressure groups, right. So this is an important point of democracy, interest groups or pressure groups, which is related to a vibrant civil society as well. Second, राइट, हम मॉन्टेस्क्यू से लिंक करेंगे. इन अ प्रॉपर डेमोक्रेसी मॉन्टेस्क्यू गेव द प्रिंसिपल ऑफ, ही एडवोकेटेड अगेंस्ट मोनोसेंट्रिसिटी और कंसंट्रेशन ऑफ पावर, राइट. देयर इन ही एडवोकेटेड फॉर सेपरेशन ऑफ पावर्स, राइट, फिनोमिना ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, राइट, सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, फिनोमिना चेक्स एंड बैलेंसेस, वेर इन दीज इंस्टीट्यूशंस विल बी कीपिंग अ क्लोज वॉच एंड ओवरसाइट ऑन ईच अदर, राइट. लेजिस्लेचर जुडिशरी पे नजर रखेगा, जुडिशरी लेजिस्लेचर के लॉज पे नजर रखेगा, राइट. फिर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पे भी नजर रहेगा, लेजिस्लेचर भी एग्जीक्यूटिव पे नजर रखेगा, राइट. सो देर इज अ कीपिंग क्लोज वॉच. सो दिस इज हाउ देर इज अ काइंड ऑफ अ डिफ्यूजन ऑफ पावर. थर्ड विल बी लिंकिंग टू गांधी, सेवाग्राम मॉडल उन्होंने प्रपोज किया था, सेवाग्राम मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, राइट, इन विच देर इज अ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, राइट, एंड पीपल विल बी गवर्न इन टर्म्स ऑफ ग्राम सभाज, राइट, विच विल बी रिफ्लेक्टिंग द रियल नीड्स एंड कंसर्न्स ऑफ द पीपल. सो इट इज अ बॉटम अप डेमोक्रेसी, राइट, गिविंग पावर टू पीपल, क्योंकि ग्राम सभा में कौन वोट करता है, ग्राम सभा में कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, पंचायत ग्राम पंचायत में कौन नजर रखता है, ऑल द पीपल आर एलिजिबल टू वोट, ऑल द एडल्ट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हु आर रजिस्टर्ड विद इन द इलेक्टोरल लिस्ट, दे आर कॉन्स्टिट्यूट द ग्राम सभा, विच इज अ काइंड ऑफ विलेज लेजिस्लेचर, विच विल बी कीपिंग क्लोज वॉच ऑन द एग्जीक्यूटिव, विलेज एग्जीक्यूटिव, दैट इज द पीपल हु दे सेलेक्टेड, दैट इज द पंचायत, ग्राम पंचायत एग्जीक्यूटिव, राइट. So this is another way of democratic centralization, which
introduced in India through 73rd and 74th Constitutional Amendment Act, right? So this was 15th point. और see, यहाँ से ही judiciary से निकल के आता है, यहाँ से निकल के आता है 16th point, an independent judiciary, which can ensure rule of law and protect the constitution, right? और 17th point आप वो भी लिख सकते हो, democracy involves constitutionalism. Democracy तो आपने बना दी, power exercise कैसे करेंगे, तो उसके लिए पूरा institutions आपको create करने पड़ेंगे, right? आपको constitution के तरह institutions create करोगे, आपको एक structure बनाना पड़ेगा government को कि कैसे democracy को reality में दिखाया जाए, रियलिटी में कैरी आउट किया जाना चाहिए, उसका एक सेटअप आपको बनाना पड़ेगा. दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विल ऑल्सो बी पुटिंग अ लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड विल बी रिलेटेड टू लिमिटेड गवर्नमेंट, राइट? फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ते हो. सो दीज वर द वेरियस प्री रिक्विजिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. सो यहां पर मैं बोलूंगा आपको, इन द एंड आई विल से and I'll conclude with these functions of prerequisites of democracy by saying that we should be moving, agar hame us direction mein move karna hai, we should be implementing all these features in a concrete manner, right? And apart from that, we should move from procedural democracy, right? There are various ways or types of democracy: direct, indirect, procedural, substantive, then you could say presidential form of democracy, parliamentary form of democracy. There are multiple types of democracy. उसको अलग अलग वे में आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो. So we should be moving from procedural democracy to substantive democracy. Right? क्योंकि procedural democracy which only follows the procedures. आप 5 साल में इलेक्शन कंडक्ट करो, लीडर्स को इलेक्ट करो, फिर लीडर्स प्रॉपर क्या थ्रू प्रॉपर चैनल और थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर्स लॉज बनाएंगे, राइट? और फिर से लीडर्स को इलेक्ट करो. सो इट बिलीव्स इन दिस इज अ फॉर्मल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, फॉर्मल टॉप हैवी डेमोक्रेसी, जहां पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं है, राइट? यू जस्ट फॉलोइंग द प्रोसीजर्स, राइट? सो इट इज अ काइंड ऑफ अ मिनिमलिस्टिक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी विच इज ओनली फॉलोइंग द लेटर ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? दैट वी शुड बी इंश्योरिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन, एक्टिव एंगेजमेंट, राइट? पीपल बींग इटर्नली विजिलेंट, और इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी, राइट? एंड वी शुड बी नॉट मिनिमलिस्टिक, रादर वी शुड बी अनलीशिंग द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ डेमोक्रेसी, एंड नॉट जस्ट द लेटर ऑफ डेमोक्रेसी बट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, द सबस्टांस ऑफ डेमोक्रेसी. सी, देर इज सम हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इन विच डेमोक्रेसी एज अ पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्व. बेसिकली एंशियंट ग्रीस में हमने पढ़ा, एथेंस में हमने पढ़ा था डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी. इंडिया में भी हमने देखा कि एंशियंट रिपब्लिक्स होते थे, राइट? शाकाज और लिच्छवीज के बारे में हमने देखा. अपार्ट फ्रॉम देम देर वॉज ग्राम सभाज ऑल्सो, विलेज कम्युनिटी गवर्निंग देमसेल्स, राइट? एंड देर बाई दिस वॉज अ मोर ऑफ सॉर्ट ऑफ अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच देर वॉज अ मोर एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ पीपल. एवरी मोस्ट ऑफ द पीपल वर काउंटेड, राइट? बट यहाँ पे क्या, कुछ कास्ट को एक्सक्लूड कर दिया जाता था. सो इट वॉज बेस्ड ऑन हिरार्की, इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन. वहाँ पे एंशियंट ग्रीस में क्या, वुमेन और स्लेव्स को एक्सक्लूड किया जाता था, राइट? देर उसके बाद हम ट्रेस करेंगे, मैग्ना कार्टा आया इंग्लैंड में, राइट? विच फॉट फॉर चार्टर एंड सम राइट्स दैट शुड बी गिवन टू द पीपल, राइट? विच फर्दर कंट्रीब्यूटेड टू डेमोक्रेसी. उसके बाद हम देखेंगे पॉलिटिकल मॉडर्निटी आएगी, रेनेसा आएगा, इनलाइटनमेंट आएगा, राइट? फ्रेंच थिंकर्स आएंगे, वेरियस थिंकर्स आएंगे, अलग अलग प्रिंसिपल्स प्रमोट करेंगे, राइट? फ्रीडम ऑफ स्पीच, सेपरेशन ऑफ पावर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राइट? सो दिस फॉर्म ऑफ बेस्ड ऑफ डेमोक्रेसी. इससे इंस्पायर होकर फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, राइट? वेर इन बुर्जुआ हु लेड द मासेज, दे ओवरथ्रो द मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एस्टेब्लिश द रिपब्लिक. फिर अमेरिकन इंडिपेंडेंस हुई विच फर्दर स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, राइट? और अल्टीमेटली उसके बाद हम देखोगे बट देर वॉज दिस फ्रेंचाइजी, राइट?
who would be electorate was limited only to the people who were educated and who were having certain sort of property, property in an educated man, right? This is a bourgeois form of democracy. And subsequently, you will see women started fighting for their rights. Then thereafter, with first wave feminism, right, late 19th and early 20th century, right, after that there was extension of these voting rights to women as well. उसके बाद हम देखोगे फासिज्म और नाजिज्म आया, फिर उसका कोलैप्स हुआ, उसके कोलैप्स के बाद फिर फर्दर डेमोक्रेसी बिल्टअप हुई, और उसके बाद देखोगे डीकोलोनाइजेशन हुआ, और डीकोलोनाइजेशन के बाद डेमोक्रेसी स्प्रेड हुई, राइट? सो डेमोक्रेसी 20th सेंचुरी में है, मेजर पॉलिटिकल सिस्टम बनाया, पहले क्या है मोनार्की या अथॉरिटेरियनिज्म ही रूल करता था, 20th सेंचुरी में ही डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन आया हुआ है। और अमर्त्य सेन अपने आर्टिकल में लिखते हैं, उनसे पूछा गया कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट विच टुक प्लेस इन 20th century, he said there were many developments, but the expansion of democracy to multiple sort of countries, this is the most important development, right? और इसी को फ्रांसिस फुकुयामा आगे बोलेंगे, जैसे ही फॉल ऑफ बर्लिन वॉल होता है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी गिर जाती है विद फॉल ऑफ कम्युनिज्म, राइट? एंड देर इज फर्दर एक्सपेंशन ऑफ दिस लिबरल वेस्टर्न सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन ऑल द अदर कंट्रीज, और इसके बाद फ्रांसिस फुकुयामा बोलते हैं दिस इज द एंड ऑफ हिस्ट्री, राइट? बिकॉज डेमोक्रेसी स्प्रेड एनीवेयर, वो मार्क्सिस्ट को भी क्रिटिसाइज करते हैं। सो दिस इज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रांसिस फुकुयामा का हम पॉइंट भी पढ़ेंगे, राइट? नाउ वी विल बी टेकिंग अ लुक इन टू द वेरियस डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स और वेरियस क्रिटिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, हम इसमें वेरियस थिंकर्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सी नाउ विल बी डीलिंग विद एंड अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लोरिंग द वेरियस क्रिटिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, और ये जो क्रिटिक है इसको आप चैलेंजेस भी बोल सकते हो, डेमोक्रेसी के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, राइट? हम फीचर्स फंक्शंस ये सब पढ़ चुके हैं, राइट? अब क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स देखते हैं डेमोक्रेसी के, और ये चैलेंजेस भी है डेमोक्रेसी के। तो डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, यू कुड आंसर डिफरेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी, राइट, यूजिंग दिस लेक्चर। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस क्रिटिक्स, राइट, मैं आपको ये पर्सपेक्टिव्स तो हैं, आप इसमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स पढ़ेंगे, लेकिन एक मैं पहले जो अभी तक पढ़ा है उसको रिविजिट करना चाहता हूँ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स विच वर सपोर्टिंग डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, राइट? यू कुड राइट दिस डाउन, राइट? सेकेंड, फंक्शनलिस्ट व्यू ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? डेमोक्रेटिक लीडर्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल, राइट? दे आर फुलफिलिंग the collective wishes, aspirations and demands of the people, right? They are exercising power in order to attain collective goals which are driven by the underlying value consensus, right? So democracy constitutes a form of power bank in which people repose their power in few selected leaders, right? And people exercise accountability on them, right? And people can withdraw this power from these chosen elected leaders in a representative form of democracy, right? By voting them out in the next general elections, right? So यहाँ पे people's court होता है, right? These are enforceable in the people's court and not in the court of law. ठीक है, so this is the functionalist view of democracy, right? हमने Abraham Lincoln पढ़ा, functionalist view पढ़ा, हम Marx को अभी पढ़ेंगे, right? I'll advise you to स्लो डाउन योर स्पीड और इसको लिखो आप, ये जो मैं बोल रहा हूँ अब्राहम लिंकन फंक्शनलिस्ट पॉइंट, दो दो तीन तीन लाइन में। फिर वेबेरियन व्यू ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? वो बोलते हैं डेमोक्रेसी इज ए डायनेमिक पॉलिटिकल सिस्टम, राइट, विच गिव अ स्पेस टू द कंटेस्टिंग आइडियोलॉजीज, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, डिफरेंट ओपिनियंस, राइट? बाई एंड देयर बाय इट काइंड ऑफ क्रिएट्स अ इकोसिस्टम, अ पॉलिटिकल इकोसिस्टम टू चर्न आउट डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, राइट, in the polity of the country, right? So it is a very dynamic ecosystem. Political leadership ki taraf contribute karta hai. This is what Weber was arguing about. Phir humne padha Robert Dahl, elite pluralism, right? Democracy is a form of which constitutes a plurality of elites, right? In which power is dispersed and diffused within the society. And these elites represent the interests of different sections of the society, right? Via their interests or pressure groups or various different professional associations. So here, democratic government is a form of, it is a form of kind of, which is leading to consensus, compromise, negotiation, debate and discussion in order to, it performs an act of balancing, right? Among these divergent, conflicting and competing interests, right? This is the elite pluralism view. फिर हमने पढ़ा था जॉन स्टुअर्ट मिल, अमर्त्य सेन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, डेमोक्रेसी डेवलपमेंट और फ्रीडम के बारे में क्या बात करते हैं।
फिर हमने पढ़ा जॉन स्टुअर्ट मिल, राइट, हु गिव अ काइंड ऑफ अ वेरी लिबरल व्यू ऑफ डेमोक्रेसी, अ लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है, जिसमें ही पुट फॉरवर्ड द कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप. प्लस वो बोलते हैं डेमोक्रेसी मीन्स इन्वॉल्व्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज नॉन इंटरवेंशनिस्ट इन द स्फीयर ऑफ मार्केट. इट विल लीड टू अ लाइसेंस फेयर इकोनॉमी, राइट, इन विच ऑटोनमस इंडिविजुअल्स हु आर रैशनल यूटिलिटी मैक्सिमाइजर्स will be freely associating within the sphere of the market, right? There will be an exchange and all the people will be looking forward in order to maximize their own interest in the market situation. And under this political system of democracy, right, which guides the market, it will lead to maximum happiness of all, right? ठीक है. Now see, अब हम critique की तरफ देखते हैं democracy का. See, सबसे पहले classical scholars जैसे Socrates, प्लेटो और एरिस्टोटल, राइट, देवर हाईली क्रिटिकल ऑफ डेमोक्रेसी. वो बोलते हैं सी डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी तभी वाइब्रेंट होगी जब सिटीजनरी इनलाइटेंड होगी, अवेयर होगी, एक्टिव होगी, विच कैन सीक ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, विच कैन विच आर एक्टिवली इंगेज इन पॉलिटिकल स्फेयर, राइट, विच आर यू कैन से through the civil society are continuously mobilized and keeping a kind of a close watch on the government, right, constant vigilance, theek hai. But wo bolte hain, see, ye bolte hain they do not believe in the capability of the masses. Wo bolte hain masses in general they lack knowledge, wisdom and reflexibility, right. Masses are gullible, who are not properly educated and knowledgeable, right. वो बोलते हैं दीज मासेस दे कैन बी फूल्ड, मैनिपुलेटेड और इजिली मिसलेड बाय क्लेवर स्वीट टॉकिंग पॉलिटिशियंस हु आर सेलिंग बिग ड्रीम्स, राइट, हु आर गुड ऑरेटर्स एंड एलोक्वेंट इन नेचर एंड देयर फॉर पीपल माइट चूज और इलेक्ट बैड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है. सी सोक्रेटिस बोलते हैं अगर डेमोक्रेसी में दो रिप्रेजेंटेटिव्स हो, राइट, वन इज अ स्वीट शॉप ओनर, राइट, इट इज अ काइंड ऑफ एनोलॉजी, स्वीट शॉप ऑनर, राइट, वो बोलते हैं मैं आपको स्वीट दूंगा, राइट, मिठाई दूंगा, अच्छा अच्छा खाओ. एक होता है डॉक्टर, वो बोलता है मैं तो आपको ड्रग दूंगा, राइट, मैं तो पिल दूंगा आपको, विच इज बिटर. नाउ पीपल हेयर विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस स्वीट ओनर, स्वीट शॉप ओनर, उनकी बातों में आ जाएंगे, दे कैन बी इजिली मिसलेड, दे कैन बी इजिली ट्रिक्ड और मैनिपुलेटेड. ऐसा ही डेमोक्रेसी में होता है. Whereas a doctor was taking a tough path to solve the people's problem, he was not chosen. तो यही बोलते हैं कि people take it, plus they say people take decisions based on emotions and perceptions. Right? People base decisions on emotions and perception, not on the basis of fact, logic, right? Rationality, reason, because it requires a lot of skill, knowledge. It requires a kind of a continuous participation on part of people, continuous endeavor, right, to get to know these facts and take this rational decision. This requires a lot of hard work, right, this requires a lot of effort on part of the people, but people are not doing that. They are basically taking, merely taking decisions on the basis of emotions, right, and perceptions. Now wo bolte hain rather than reason, facts and logic, and इसी वजह से क्या है, therefore democracy might transform into demagoguery. वो demagogue के बारे में बात करते हैं, हम देखेंगे, right? वो बोलते हैं कि ये जो emotions हैं, these could be weaponized. For example, fear could be weaponized, right? Politician leaders might say कि you are under a certain threat and I will be your savior, right? और इसी वजह से वो demagoguery में turn हो जाता है जब people are taking decisions on the basis of emotions rather than logic and reason. और यही एक क्रिटिक दिया जाता है ट्रंप का, राइट, ट्रंप इज फ्लेयरिंग अप टेंशन, वाज फ्लेयरिंग अप टेंशंस विद इन द सेक्शंस ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन, ही वाज सेलिंग बिग ड्रीम्स, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, राइट, ही वाज काइंड ऑफ कैचिंग ऑन द फियर्स ऑफ द नेटिव अमेरिकन्स, स्पेशली द व्हाइट कंजर्वेटिव अमेरिकन्स, राइट, दैट दीज अदर पीपल आर टेकिंग अप योर जॉब्स, राइट. सो दे आर ऐसी सिमिलरली some scholars are of the view, right, that these right-wing governments, especially also in case of India, right, they say ki PM Modi is actually latching on the fear of Hindus, right, that Hindu identity is under threat and mobilizing the Hindus,
राइट. तो बोलते हैं कि इस फॉर्म में डेमोक्रेसी माइट टर्म इनटू अ डेमागोगरी, राइट, द राइज ऑफ द डेमागोग, राइट. सो ऑल दीज आर कैटेगराइज्ड एज अ फॉर्म ऑफ डेमागोग. और एरिस्टोटल बोलते हैं, एरिस्टोटल क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट को क्लासिफाई और कैटेगराइज करते हैं. वन इज अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गुड पॉलिटिकल सिस्टम. वन इज बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और परवर्टेड पॉलिटिकल सिस्टम और परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो उसमें डेमोक्रेसी में वो इसमें परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्लेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही सेज, ही कॉल्ड डेमोक्रेसी एज परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर मीडियोकर पीपल रूल, अ स्वीट शॉप ओनर कुड रूल रादर देन एन इंटेलेक्चुअल डॉक्टर, राइट. और सी वैन इनफैक्ट केजरीवाल ही केम ऑन टू द सीन ऑफ पॉलिटिक्स. अगर आप सबसे पहले इलेक्शंस देखोगे, द पीपल जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उस टाइम आम आदमी पार्टी के, देवर हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल, सोशल स्फेयर, इंटेलेक्चुअल स्फेयर से बिलोंग करते थे, राइट, जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन किया हो. लेकिन उसके बाद अगर आप देखो सेकेंड सब्सिक्वेंट इलेक्शंस में, द पीपल हुवर गॉट टिकट्स, राइट, दे कंट्रीब्यूटेड सम सॉर्ट ऑफ मनी, राइट. नाउ दिस इज ऑल यू कैन से a kind of counter allegations from the opposition, but this is personally I believe this is what I have heard and got to know, this is true to an extent. People, certain MLAs, they could only get the seat of MLA only if they contributed 5 crore or more rupees, right. Similar is the thing with BJP is not different, but see how BJP, how Aam Aadmi Party arrived on the scene and how, right, it changed its politics, and that is why people like Prashant Bhushan, Shanti Bhushan and Yogendra Yadav, they kind of they kind of cut off their ties with Arvind Kejriwal, right. See, isliye bolte hain ki bare mediocre rule. Aur Socrates badi achhi analogy dete hain, wo bolte hain he compared democracy with a ship, right. Wo bolte hain ship kisko run karni chahiye, a captain, professional or skilled people who actually know how to run the ship, who actually know how to guide the ship through the stormy waters, or should ship be allowed to be run by everyone? No. So similarly is the case with democracy. Should a ship be run by man of wisdom or knowledge, or it should be run by everyone? So if it should be run by everyone, then it might get drowned in these stormy waters, and same is the case with democracy, right. And तो वो बोलते हैं कि जब लोग इमोशंस के बेसिस पे वोट करते हैं, फियर के बेसिस पे वोट करते हैं, जब इसको वेपनाइज किया जाता है इस फियर को, नाउ दिस डेमोक्रेटिक रूल माइट टर्न इनटू मॉब रूल और मोबोक्रेसी. एरिस्टोटल एक बहुत अच्छा कोट करते हैं, अगर आप लिख सकते हो इसको, डेफिनेटली लिखेगा. एरिस्टोटल सेज, एबिलिटी एंड विजडम इज सैक्रिफाइस्ड टू नंबर्स, नंबर्स, मेजोरिटी नंबर्स in a democracy, while numbers are manipulated by trickery, right. This is a beautiful quote which you can definitely include in your answers, right. That half an hour mark you will be getting more if you could include it in your answers, right. Second scholar dekhenge Alexis de Tocqueville. Tocqueville ko humne padha tha civil society. In fact he was a French thinker, right, who visited America, and he observed this American democracy, and he was fascinated by it, right, the equality and freedom that people were enjoying. And he wrote a book in which he celebrated the American democracy, and which is known as the democracy in America, right. But usme unhone unke critical perspective bhi diya tha, criticize bhi kiya tha. Usme bolta hai ki democracy is nothing but majority rule of the majority. This was majority over those are going to rule, right. So there is a possibility. Now this is not an final, it is not an absolute conclusion that this will always happen, but bolte there is a possibility that this majority rule might turn into tyranny of the majority. Aur ye kaise hota hai, in monarchy, autocracy mein, dictatorship mein kya tha, tyranny of one single person, whereas here it might transform, it might, there is a possibility it might get converted into tyranny of majority, wherein interests and concerns of minorities are sidelined. Minorities are marginalized, it will contribute to the marginalization. For example, when he was writing this book, at that point of time slavery was prevalent in USA, right, aur wahan pe he observed that blacks in America, right, isme kya tha, majority, white majority was supporting slavery as an institution. So it might lead to a tyranny of the majority. Now this is the quote, right, jisse aapko pata chalta hai wo kya bolna chahte hain. Wo bolte hain tyranny does not mean that majority in a democracy will always act tyrannically, this is not the case, but there is a possibility, and only that nothing can prevent it from doing so, no one can prevent it from doing so, right, but it is not that it will always act tyrannically, but there is no preventive mechanism which will prevent the tyranny of majority,
right? In some cases, tyranny of majority might occur. Now, इसी argument को मैं extend करता हूँ ना, I'll be coming to the one more critique, right? See, हम बोल सकते हैं also popular mandate और majority का mandate मिल जाता है, it can be won with wafer thin majority. Popular mandate, you can get electoral mandate with wafer thin majority, or even without majority of votes, you can actually secure an electoral mandate in a democracy. और वो see, मैं example देता हूँ. For example, Brexit था, उसमें 52% voted in favor of Britain exiting from the European Union, whereas 48% were voted against it, right? Now, can we say the viewpoint of this 48% of this significant section of population is completely sidelined here? It is completely sidelined. Their views is not taken into account. Here majority wins, right? ठीक है. So this is a significant, you could say, minority, right? 48% of population is quite a big section of the population. Also, बाद में इनको इंटरव्यू किया गया इन 52% लोगों को, तो इन्होंने बोला कि we did not have enough information, we did not have enough facts at disposal. और उनके बोला कि आप अपना चेंज करना चाहोगे व्यू, तो उन्होंने क्या है, they want to change their opinion. Some of these people actually said they want to change their opinion to no, we do not want to exit from Britain. They wanted to change their opinion later on, right? और ये opinion भी सी, अभी तो micro targeting होने लगी है, social media sites आई है, these opinions could be influenced, right? So यहाँ पे these people, some of these people were not properly informed, and they could have shifted to here, and the entire scenario might have changed. Now this is a very big crucial decision shaping the destiny of this country. Exiting from the European Union, shaping its economy, politics, welfare, right, immigration of people, immigration of workers, jobs, right. अब मैं बात करता हूँ इंडिया का, जैसे first past the post system है. Here one can secure absolute majority by securing significantly less than 50% of votes polled. अगर आपकी जितनी वोट्स की पोलिंग हुई है, अगर आप 50% मतलब जितनी पोलिंग है उसके अगर आप 50% से भी बहुत नीचे हो, तब भी आप एब्सोल्यूट मेजोरिटीज क्या है सिक्योर कर सकते हो, राइट? तो कैन वी से दिस इज द ट्रू पीपल्स मैंडेट? फॉर एग्जांपल, व्हेन मोदी वॉन, राइट, इन 2014 ही गोट अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द टोटल वोट्स ऑफ अवर कंट्री, राइट? सो इट मीन्स 60% ऑफ द पीपल डिड नॉट वोट फॉर हिम. नो, दिस वॉज द एक्चुअली आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द ऑपोजिशन एंड अदर people having different opinions, right? तो वो बोल रहे थे कि, और इसमें भी आप देखोगे तो once plus, तो can we call it a true mandate? And the plus, this accountability is only once in every 5 years. It is periodic or episodic accountability. So can we say कि this is a true form of democracy, right? So here some will say this representation is a myth, public representation is a myth. हालांकि see, there is no problem here. मोदी सिक्योर्ड एब्सोल्यूट मेजोरिटी, और उससे पहले भी आप देखो अगर कांग्रेस बोलेगी तो कांग्रेस भी, तो सेम सिनारियो था कांग्रेस के साथ, वो भी सेम पॉलिटिकल सिस्टम में ही इमर्ज हुई है, राइट? सो इट इज नॉट अबाउट द पार्टीज, इट इज द काइंड ऑफ, यू कुड से, डिसफंक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी, राइट, और नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ डेमोक्रेसी जिसके वी शुड बी गार्डिंग अगेंस्ट, वी शुड बी, दीज आर चैलेंजेस विच वी शुड बी अवेयर ऑफ. अब हम पढ़ेंगे इलीट थियरीज, राइट, मोस्का, रॉबर्ट मिचल्स, सी राइट मिल्स, पैरेटो, दीज वर इलीट थियरीज. हम पढ़ चुके हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैसे डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं, एक बार उसको रिविजिट करते हैं. नाउ दीज इलीट थियरीज से डेमोक्रेसी इज एन इल्यूजन, इट इज अ शैम, इट इज अ फार्स, राइट? इट इज नॉट पीपल्स रूल, रादर इट इज रूल ऑफ इलीट्स, इट इज एन इलीट रूल. अगर आपको समझ में नहीं आया, आई एडवाइज यू टू रेफर बैक टू द लेक्चर ऑफ पावर इलीट्स, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? और वो बोलते हैं दीज इलीट्स दे आर सुपीरियर एंड हाईली कैपेबल पीपल एंड मोर इंटेलिजेंट देन रेस्ट ऑफ द मासेस, राइट? ठीक है, तो वो बोलते हैं कि देखो दीज इलीट्स आर इंडॉक्ट्रिनेटिंग एंड मैनिपुलेटिंग द मासेस. मोस्का ने तो दिया ही था पॉलिटिकल फॉर्मूला, right? And they had a very dim view of the masses. See, right, Mills as well as Mosca, both of these people, they had very dim view of the masses. They said masses, they are apathetic, they are unconcerned about the issues of the day, they are not participating in the public sphere, they have retreated to their own private sphere of family,
work and leisure, they are only engaged in that. They are not concerned about the public sphere of politics. Right? Apathetic, unconcerned, non-participative, they are retreat to private sphere of family, work and leisure. Right? Plus, these people, they say, are extremely passive. They can be easily controlled and manipulated by these elites. Right? तो हम बोल सकते हैं और वो सी राइट मिस तो बोलते हैं दीज इलिट्स आर एक्सट्रीमली पावरफुल एंड अकाउंटेबल पीपल. राइट, सारा कंसंट्रेशन ऑफ पावर ही इलिट्स में है एंड अकाउंटेबल. राइट, और देर इज अ पावर असिमेट्री और इंफॉर्मेशन एसिमेट्री बिटवीन बिटवीन द इलिट्स एंड द मासेस. राइट, इलिट्स के पास सारे टूल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, मीडिया है, कल्चर इंडस्ट्री है, यूनिवर्सिटी है, इसके थ्रू क्या वो मासेस का क्या है ओपिनियन शेप कर सकते हैं. राइट, उनको गाइड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऑल द टूल्स एंड रिसोर्सेज इन देयर कंट्रोल. देयर इज अ पावर असिमेट्री इंफॉर्मेशन असिमेट्री. राइट राइट, एंड दे कैन इजीली ब्लाइंड एंड मिसगाइड द मासेस यूजिंग दिस टूल्स एंड रिसोर्सेज. राइट, और सी वो बोलते हैं कि मेजर डिसीजंस ऑफ द डे आर टेकन विदाउट पब्लिक डिस्कशन डिबेट एंड डिस्कोर्स. राइट, सी राइट मिस बोलते हैं. राइट, एंड दिस थ्रू दिस डिसीजंस are not shaping not just the destiny of USA but the destiny of the entire world. Right, elites of America, weapons of mass destruction ke pretext pe Iraq war mein entry hui thi. There was no sort of public discussion or debate. Hiroshima aur Nagasaki ki bombing hui thi, usme zyada discussion or debate nahi tha. Government did it. Right, Second World War mein America ki entry hui thi, there was no public debate as such. Vietnam War mein halanki uske baad uska critique hua tha. So major decisions are without any public debate, ये बोलते हैं. So there is a, तो now this is completely in the so-called democracy, this goes completely against the ethos of democracy. और जब इन्होंने book लिखी सी राइट मिल्स ने American democracy के ऊपर, people were actually kind of fascinated and shocked and surprised by his arguments. कंसेंट्रेशन ऑफ पावर कुछ लोगों में है, तो कोई डिसेंट्रलाइजेशन और डिफ्यूजन ऑफ पावर नहीं है. इलिट प्लूरलिज्म के अगेंस्ट जाता ही है. Right, so this is against democracy. Plus, there is lack of accountability. These people are extremely powerful, right? Plus, they are unaccountable, right? They are taking this decision and shaping the destiny and economy of the country and the entire world. People are apathetic, right? People are not participative, right? They lack vigilance. They are not continuously monitoring the situation. Plus, there is a lack of public participation as well, because this is their view, apathetic, unconcerned, non-participative to the views of the day, retreated to the private sphere of family, work and leisure. Or Mosca bolte bhi hain, people have the need to be led. See, if you take it logically, this is a very logical argument. I as a person do not want to get too much involved in politics. I do not have the time to go attend a dharna or a protest, right? Or to join a political party or to be continuously engaged in it. I want to be a philosopher, I want to be a teacher, I want to be a writer, right? And similarly, most of the people are doing the same thing. So people do not have the time or the interest to be actively engaged in politics. How many of the people are actually engaged in political discourse, right? So yeah, in fact Mosca rude the universal adult franchisee. Wo bolte hain elite rule is inevitable. बोलते हैं डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, इट माइट बी गवर्नमेंट फॉर द पीपल. ये हमने बोला था पावर इलिट्स में कि इलिट्स पब्लिक इंटरेस्ट में भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं अपने इंटरेस्ट में काम करेंगे, बट इट इज नेवर गवर्नमेंट बाय द पीपल. इट इज नेवर गवर्नमेंट बाय द पीपल. सो इलिट रूल इज इनएविटेबल. और वो बोलते भी हैं मासिस का ऐसा भी उन्होंने क्या बोला, ऐसा उन्होंने क्रिटिसाइज दैट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी राइट टू वॉट वॉज गिवन टू एवरी वन on the basis of age criteria. He kind of criticized it. He said only to the people who are educated and propertied middle class, inhi ko hi kya hai right to vote milna chahiye, right? Because people, only educated aware people could actually vote, right? Could actually vote correctly. See, now let us explore the Marxist critique of democracy, right? Democracy wo kiske critique karte hain? Liberal form of democracy. या फिर वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी विच इज प्रिमाइज्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ कैपिटलिज्म. राइट, विच इज इंटीग्रेटेड और इंटरलिंक्ड विद कैपिटलिज्म एंड इट्स नोशंस एंड इट्स वैल्यूज एंड इट्स प्रायोरिटीज. राइट, सो मार्क्सिस्ट दे आर गोइंग टू क्रिटिसाइज, दे क्रिटिसाइज द लिबरल डेमोक्रेसी और वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी विच से एंड दे लेबल इट एज ए बुर्जुआ डेमोक्रेसी. राइट, वो बोलते हैं पॉलिटिकल सिस्टम इन दीज वेस्टर्न कंट्रीज
which are dominated by capitalism, that is state, is shaped by conditions present in the economic base or infrastructure, right? And thereby it is here in state, they say state is an executive committee to manage the common affairs of the bourgeois. Ye hum already state mein padh chuke hain, right? So this state is not actually working in public interest, right? Or interest of the masses or societal interest, right? Rather, they are protecting and promoting the bourgeois or dominant interest, right? और वो बोलते हैं कि इसका सबसे बड़ा सबूत क्या होगा? जब वेस्टरगार्ड और रेजलर बोलते हैं प्रूफ ऑफ पावर लाइज इन इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, तो प्रूफ ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी इज गोइंग टू लाई इन इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, राइट? सबूत क्या है? सी, आप बोल रहे हैं हमने पॉवर्टी रिड्यूस कर दिया, ऑल द पॉवर्टी रिड्यूस्ड, बट यू आर नॉट एबल टू एलिमिनेट और रिड्यूस स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज फ्रॉम द सोसाइटीज. इनफैक्ट स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज आर इंक्रीजिंग इन सोसाइटीज, राइट? गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स आर इंक्रीजिंग, रिच एंड पुअर आर इंक्रीजिंग. You talked about trickle down, right? In which there will be upliftment of the masses. That is not happening. So the very proof of democracy working in interest, in bourgeois interest, वो यहीं पे मिलता है आपको. It is completely visible, right? और आपको आपको ये भी इसको इंटरलिंक करो, जब से इंडिया में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया है, तो मार्क्सिस्ट विल से कि पॉवर्टी तो डिक्रीज हुई है, राइट? लेकिन साथ साथ इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है. एब्सोल्यूट पॉवर्टी डिक्रीज हुई है, रिलेटिव पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और रिलेटिव डेप्रिवेशन बढ़ चुका है, राइट? गैप बढ़ रहा है रिच और पुअर, हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में. तो हम कैसे कह सकते हैं कि दिस स्टेट और दिस डेमोक्रेसी इज अ ट्रू डेमोक्रेसी विच एक्चुअली रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द मासेस और द पब्लिक, रादर इट रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑफ द ओनली द फ्यू पीपल और द बुर्जुआ क्लास और द डोमिनेंट इंटरेस्ट, राइट? और वो बोलते हैं कि दिस मासेस और इलेक्टोरेट, दे आर गाइडेड बाय फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस, राइट? एंड दे आर इंडॉक्ट्रिनेटेड थ्रू रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी, ठीक है? तो बोलते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसीज आर नथिंग बट इट कंस्टिट्यूट्स द पॉलिटिकल फेस ऑफ कैपिटलिज्म, राइट? तो ग्राम्स्की बोलते हैं लिबरल डेमोक्रेसीज रूल बाय कंसेंट, इट इज नॉट रूल बाय फोर्स और कोअर्शन, बट दिस कंसेंट इज एस्टेब्लिश थ्रू हेजमनी, वेयर इन पीपल एक्सेप्ट द प्रिवेलिंग कंडीशंस एंड बिलीव इट टू बी नेचुरल, प्रॉपर, फेयर एंड लेजिटिमेट. ऐसी मिलीबैंड बोलते हैं कि डेमोक्रेसीज और लिबरल डेमोक्रेसी, वी कैन सी ग्लोरिफिकेशन ऑफ कैपिटलिस्ट वैल्यूज एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, वेर इन यू आर जस्टिफाइंग इनइक्वालिटी एंड यू आर सेइंग इट इज अ कंपिटिटिव इनइक्वालिटी विच इज बेस्ड ऑन द मेरिट, विच इज ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मेरिट यू आर जस्टिफाइंग इनइक्वालिटी एंड यू आर टॉकिंग अबाउट ओपन सोसाइटीज एंड अनरिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, बट देर इज इलीट रिक्रूटमेंट इज देयर, right? There is mobility is restricted to very few people, there are only very few rags to riches story. And similarly, you are glorifying the capitalist values. RGB here is reference group behavior, wherein people should emulate these the aspirations of the higher class so as to move up in this ladder of social hierarchy. Focus should be on mobility rather than mobilization. Aisi Pulantazaz kya bolte hain? Wo bolte hain, he talks about the myth of welfare democratic state, right? स्टेट को वेलफेयर इसलिए होना पड़ा, वो बोलते हैं इसलिए रिडिस्ट्रीब्यूशन और कंसेशन देने पड़ते हैं ताकि वर्कर्स का वर्कर्स कुड बी ब्लाइंडेड, राइट? उनका पोटेंशियल को कर्ब कर दिया जाए, रिवोल्यूशनरी पोटेंशियल, राइट? और स्टेट ऑल्सो डिस्टिंग्विश मेक इटसेल्फ सेपरेट और ऑटोनमस फ्रॉम द कैपिटलिस्ट सो एज टू पोर्ट्रे टू द मासेस दैट वी आर वर्किंग इन योर इंटरेस्ट. सो आर दिस ट्रू डेमोक्रेसी? नो, दे आर नॉट. सी, भगत सिंह वाज अ कम्युनिस्ट, अंबेडकर यही बोलते हैं, दे हैड सम सॉर्ट ऑफ कंसर्न्स. वो बोलते हैं कि इंडिया में इंडिपेंडेंस तो आएगी, राइट? डेमोक्रेसी का राइज होगा, पॉलिटिकल इक्वालिटीज आएंगी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आ जाएगी, राइट? सो दे सेड इन लिबरल डेमोक्रेसी, राइट, पॉलिटिकल राइट्स और इक्वालिटी होती है या फिर दिस इज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, बट दे वर कंसर्न्ड वेदर इट विल बी एबल टू वेदर इट विल बी दिस पॉलिटिकल इक्वालिटी विल बी ट्रांसलेटेड इन टू सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी और नॉट, right? Whether this political democracy will be establishing social democracy or socio-economic democracy or not, right? Socio-economic inequality, equality or democracy, right? तो वो यही बोलते हैं मार्क्सिस्ट, that true democracy कब होगी, will be it will be only be assured in the era of communism, right? In the communist mode of production,
right? Wherein state is going to wither away, there will be no state, and well, there will be egalitarian society will be established, in which there not only there will be political equality but also social equality and economic equalities as well. Ambedkar was also concerned about social equalities or equality of Dalits. So according to him, true democracy is only going to be when there is elimination of all inequalities, right? Not only political but social economic inequalities. You should not just be extending civil rights and liberties but also ensure socio economic equality. So political democracy ke sath socio economic democracy Marxists bolte hain, it can only be established, true democracy will only be assured in the era of communism, in the mode of production of communism, right? ठीक है. सो दिस इज़ वन ऑफ द क्रिटिक. और सी ये भी बोलते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी का आप देखो राइज हुआ था, कैपिटलिज्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का राइज हुआ था, बैकड्रॉप था रेनेसा इनलाइटनमेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था. फ्रेंच रेवोल्यूशन को किसने लीड किया था? बुर्जुआ ने, बिकॉज उनका स्टेटस नहीं मैच करता था उनकी क्लास को, राइट? फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, देवर पुट इन थर्ड एस्टेट, देवर बिग ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, देयर स्टेटस वॉज नॉट कमेंसुरेट विद द क्लास, सो दे मोबिलाइज्ड द मासेस इन फेवर ऑफ extension of what? Democracy, right? They overthrow the monarchy and established a republic, a form of government, right? So वहाँ पे political rights, civil rights दिए गए, but what about socio-economic equality? And these political rights are also extended for bourgeois themselves, right? Right of equality, they were not thought at par with the first and second state, the clergy or nobility or aristocracy. Equality. Second, right of property. It was ensured that your right to property is protected. And this is how property is protected, or bourgeois or capitalist interest is protected in a liberal Western form of democracy. राइट, ये क्रिटिक था मार्क्सिस्ट का. लिबरल वेस्टर्न डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं. इनफैक्ट दे एडवोकेटेड फॉर अ ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी विच कुड ओनली बी अशर्ड इन कम्युनिस्ट रूल, राइट? वेयर इन नॉट ओनली पॉलिटिकल इक्वालिटी बट सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी विल ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू पीपल, राइट? वेयर इन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का भी एस्टेब्लिशमेंट होगा. एक लास्ट क्रिटिक पढ़ते हैं. क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी ब्रीड्स पॉपुलिज्म, right? Wherein the political leaders are basically engaged in appeasement of their electorate. They are playing to the galleries, right? They are not able to take hard decisions against public resistance, right? They are incapable of taking hard decisions in face of public interest or in face of yahan pe public resistance aayega, right? Theek hai. For instance, election se aadhe din pehle aap promise kar do, lot of subsidies will be given. इलेक्शन से पहले प्रॉमिस कर दो फार्म लोन्स विल बी वेवर्ड. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ पॉपुलिज्म, वेर इज लीडर्स आर रिजॉर्टिंग टू पॉपुलिज्म, राइट? ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स इन इंडिया. रेवड़ी लिखो यहाँ पे, मोदी टॉक्स अबाउट रेवड़ीज. सो दिस ए गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स, राइट? सब्सिडीज, टू मच सब्सिडीज इज गोइंग टू क्रम्बल अवर इकोनॉमी. डेट्स आर गोइंग टू राइज अप due to populism, and it will kind of lead a laxity among the people as well. Our loans will be wavered, we will taking loans, and at the times of election, this is the kind of common notions prevailing among some of the farmers, that our loans will be wavered at the time of elections, we will fight for it, right? So Gunnar Myrdal बोलते हैं, उन्होंने एक बुक लिखी एशियन ड्रामा, वो यही लिखा था, और उन्होंने क्रिटिसाइज किया इंडियन डेमोक्रेसी को, और बोलते हैं इंडिया इज अ सॉफ्ट स्टेट, incapable of taking hard decisions in face of popular resistance, wherein leaders are in form of people's wishes and aspirations, right? They are actually kowtowing to their demands, right? To their unjust demands, right? So progress here, progress or development kya hogi? Slow hogi, right? See, ye critique ho gaya. Ek last mein aapko Francis Fukuyama ke bare mein padhana chahunga. Unka reject, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था मार्क्सिस्ट को, राइट? वो बोलते हैं फ्रांसिस फुकुयामा, राइट, इन आई थिंक अराउंड 89-90s, इसके अराउंड इन्होंने समवेयर इन अर्ली 90s, आई डू नॉट रिकॉग्नाइज द एक्चुअल ईयर, बट ही रोट अ बुक द एंड ऑफ हिस्ट्री, और ये एंड ऑफ हिस्ट्री उसी टाइम पे लिखी गई थी. इसका बैकड्रॉप और कंटेक्स्ट क्या था? जहां पे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, यूएसएसआर टूट गया था अलग अलग रिपब्लिक्स में, राइट? जहां पे बर्लिन वॉल क्या है उसको गिरा दिया गया था, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल. आई होप यू नो अबाउट बर्लिन वॉल,
right? Germany was divided into West and Eastern Germany. West Germany was under the influence of Western powers, right? Under the influence of USA. Eastern Germany was guided by communism, which was under the influence of USSR. So around 89, I don't recall the actual year, वहाँ पे this wall को क्या है डिस्ट्रक्ट कर दिया गया था, और उस पर क्या है वहाँ पे क्या है कम्युनिस्ट रिजीम का भी फॉल हुआ है, यहाँ पे कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म भी हुआ। ईस्टर्न यूरोप जहाँ पे यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस था वहाँ पे काफ़ी रेवोल्यूशंस आई, तो यहाँ पे कम्युनिज्म कोलैप्स कर गया। तो यहाँ पे इस बैकड्रॉप में वो लिखते हैं, वी हैव रीच्ड द एंड पॉइंट ऑफ मैनकाइंड्स आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन। मैनकाइंड का जो आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है, राइट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स ऐसे हुआ है कि डेमोक्रेसी इनिशियल एंशियंट फेस में तो थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉइंट इन आवर टाइम वी वर काइंड ऑफ डिवाइड फ्रॉम द वैल्यूज एंड बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद 1940s 50s में देर वॉज काइंड ऑफ क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी, कंटेस्टिंग एंड कंफ्लिक्टिंग आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। तभी तो वर्ल्ड दो फैक्शन में बट गया था इन कोल्ड वॉर, वन लेड बाई यूएसए एंड अदर लेड बाई यूएसएसआर, राइट। वो बोलते हैं विद डाउनफॉल ऑफ कम्युनिज्म एंड विद द राइज ऑफ कैपिटलिज्म विद द विनिंग ऑफ कैपिटलिस्ट पावर्स वी कैन से वी हैव रीच द एंड पॉइंट ऑफ मैनकाइंड्स आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन दैट इज द एंड ऑफ हिस्ट्री, राइट। दिस इज ड्यू टू विद राइज एंड यू कुड से स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसीज और लिबरल डेमोक्रेसीज। वो बोलते हैं दिस लिबरल डेमोक्रेसीज और डेमोक्रेसी दे से ही सेज इट इज द मोस्ट परफेक्ट एंड सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। वो बोलते हैं अब डेमोक्रेसीज राइज हुई है 20th सेंचुरी में, डेमोक्रेसी आर टॉकिंग टेकिंग ओवर द एंटायर वर्ल्ड, डेमोक्रेसीज इज स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग, राइट। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एंड इट्स पीपल आर अडॉप्टिंग द वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी और लिबरल डेमोक्रेसीज। और वो बोलते हैं, सी मिड 1970s में क्या था, 1/3 ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम्स क्या थे वो डेमोक्रेटिक थे, डेमोक्रेसी थी, 2/3 क्या थे ऑथोरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम थे। लेकिन दिस ट्रेंड हैज रिवर्स्ड इन 1990s, राइट, क्योंकि काफी ऑथोरिटेरियन रिजिम्स कलाप्स हो चुके हैं जैसे यहां पे, राइट। और वो बोलते हैं देर इज एन एक्सपेंशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी टू अदर कंट्रीज, देर इज अ स्प्रेड ऑफ लिबरल डेमोक्रेसीज एंड दिस कोलैप्स इज ड्यू टू, और इसके अलावा वो बोलते हैं कि ड्यू टू इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टिविटी, रिडक्शन ऑफ डिस्टेंसेज बिटवीन पीपल, ईजी स्प्रेड एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट, एंड इंक्रीज्ड ग्लोबलाइजेशन, वी सी पीपल आर इंक्रीजिंगली गेटिंग अवेयर ऑफ देयर राइट्स, राइट, विच आर एक्सटेंडेड टू द सिटीजन्स ऑफ अदर नेशनैलिटीज, दे कैन एक्चुअली कंपेयर इट विद ड्यू टू इंक्रीज ग्लोबलाइजेशन स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस, राइट। तो इसी बोलते हैं, इसी कंटेंट बोलते हैं वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी क्या है, उसमें क्या है, दीज पीपल अंडर ऑथोरिटेरियन रिजिम्स दे आर फाइटिंग फॉर एक्सटेंशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ राइट्स टू देम एज वेल, राइट। फॉर एग्जाम्पल अरब स्प्रिंग यही है, वुमेन्स रिवोल्यूशन प्रोटेस्ट इन केस ऑफ ईरान यही है, राइट। और वो बोलते हैं वी आर वर्ल्ड वाइड वी आर विटनेसिंग द ट्रायंफ ऑफ कैपिटलिज्म एंड वी आर कंटिन्यूसली देर इज अ मूवमेंट टूवर्ड्स अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, राइट, इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट, अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ग्लोब, राइट। सो दिस वॉज इज कंटेक्स्ट, डेमोक्रेसी इज स्प्रेडिंग, राइट, और उसमें पीपल क्या है, वहाँ की सिविल सोसाइटी क्या रिवोल्ट कर रही है इन ऑथोरिटेरियन रिजिम्स के अगेंस्ट, बिकॉज पीपल आर इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ देयर राइट्स इन दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, दे कैन कंपेयर their rights and liberties with other people's as well, and they're fighting for extension of these rights to them as well, and that is why this collapse of authoritarian regimes is taking place, and democracy is winning in this war, in this ideological battle, and it is getting spread to the multiple regions of the world, across different cultures, across different countries, people are, these are fastly adopting, and they're recognizing the values and benefits or ideals of democracy, राइट और इसलिए बोला जाता है जितनी भी मूवमेंट्स हुई थी, राइट, दे आर लेड बाय सिविल सोसाइटी in these countries who are advocating against authoritarian regimes and extension of democracy to them as well. तो कभी कभी ये बोला जाता है कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी को फैलाने का एक टूल किट क्या है, राइट, एक एड क्या है, सिविल सोसाइटी है, राइट। अब दीज मूवमेंट्स कुड बी डेलिबरेटली कैरीड आउट बाई कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट एज वेल, राइट, उस पर डिबेट है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए थ्रू वेरियस काइंड ऑफ fostering of protest and movements in these authoritarian regimes through civil society leaders is kind of creating anarchy in them and thereby trying to establish democracy, or critics say USA is just not through this face of civil society and democracy it is installing puppet governments in these regions, right. So aise bhi criticize kiya jata hai. So I hope I have covered various perspectives, dimensions
ऑफ डेमोक्रेसी, या कोई क्वेश्चन आता है आई होप यू विल बी एबल टू आंसर इट राइट. सो इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी गोइंग टू कवर द कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी राइट.